बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सश्रीकाल हेलो एंड हाय मैं हूं हैदर राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर एक बार फिर है, राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलो एक और से आम अगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है रात सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे दामन में ज़िंदगी की सूरत में डाल दी गई है शुक्र तो बनता है अल्लाह मसलआला मोहम्मद वाले मोहम्मद हमेशा लोग कहते हैं कि आप कैसे प्रोग्राम की इब्तदा करते हैं उसमें दरूद ज़रूरी होता है और ज़रूरी हिस्सा क्यों है दरूद का देखो आपके सवाल अपने जगह बिल्कुल सही हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि सवाल कायनात में परवरदिगार ने बनाए हैं बनाने वाला कौन है सवाल अल्लाह ख्याल देने वाला कौन है वो माबूद वो रब जो सब है सवाल बनाया है तभी हमारे अजहान में वो बात आई है और उसका जवाब पहले से तैयार है जिंदगी बनाई है इसीलिए मौत भी अजल से अबद से हर एक के वजूद में डाल दी गई है तो कायनात में जितनी भी मखलूक हैं उनके लिए सवाल का होना बड़ा जरूरी है ये कहाँ से आता है ख्याल ये सोच कहां से आती है कि हम अच्छा काम करें हम नेकी का काम करें नेकी का काम तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं अगर आप अमेरिका की तारीख पढ़ो आप यूरोप की तारीख पढ़ो आप यूके की तारीख पढ़ो दुनिया बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आ, सैकड़ों बरस हो गए जिनकी तारीख या हज़ारों बरस पहले जाते हो लेकिन हम सैकड़ों बरस की बात करते हैं जिनकी किताबें थोड़ी मुस्तंद होती हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शराब व कबाब की महफिलों में जिंदा रहते थे लेकिन मरने से पहले और ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि लोग हैरान रह गए है। अब आप अपनी औलाद के बारे में सोचते हो कि हमारे मरने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारी औलाद की होनी चाहिए लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो गधे गधे डंकीज़, ओरिजिनल वाले जो होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए अपनी खरबों डॉलर्स, अरबों नहीं खरबो डॉलर्स उनकी फलाह बहबूद के लिए वो अपनी जिंदगी में नाम कर जाते हैं कि इन पे जुल्म होता है एनिमल्स के लिए कुत्तों के लिए बिल्लियों के लिए यानी कुत्तों का ख्याल करने वाला भी वो जो बेरह रवि का शिकार था उसको हिदायत मिली कब मिली ये ख्याल देने वाले की एक अहमियत है कमाल है अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं ए ईमान वालों अच्छा किन को कहा ईमान वालों को वो जो ईमान वाले नहीं है उनके लिए नहीं है कि दरूद भेजो ईमान वालों मैं और मेरे फरिश्ते दरूदो सलाम भेजते हैं तुम भी भेजा करो बस इसमें इफ अगर बढ़ तो है ही नहीं बस उसने कहा आपने भेज दी जब इंसान किसी रूहानी सफर पे निकलता है इब्तदा होती है तो हम ये सोचते हैं कि हम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पड़े तो अल्लाह कैसे भेजता होगा सलाम यही जवाब है कि उसने हुक्म दिया जाएंगे उस तलाश में नहीं जाना कि वो कैसे फरिश्ते कैसे भेजते हैं जब वक्त आता है तो आपको मुसल्ले पर खड़ा कर देता है उसको पता है कि अब पानी सर से गुजर रहा है इसको हल्का सा झटका देने के बाद अपनी तरफ रागब करना बैठे बैठे अचानक ये होता है बिजी होता है एक लम्हा आता है कि झुरझुरी सी आती है जिसमें बुजुर्ग कहते हैं ये कब्र आपको याद करती है यानी आपके मौत का वक्त अब जिनको कब्रों में नहीं दफनाया जाता उसका मतलब ये नहीं कि उनको कब्र याद नहीं करती उनकी जो खाक है वो चाहे गंगा में बहे कहीं भी बहे वो जाएगी मिट्टी में ही तो अब क्या है कि जिस वक्त वो झुझुरी आती है तो कलमा शहादत पढ़ लो या अफसोस कर लो हल्की सी आंसुओं में नमी भी आ जाए आंखों में तो आप की बख्शिश हो जाती है वो एक ऐसे करके अचानक सी आती है और वो गुनाहों को झाड़ देती है जब आप की एक तस्बीह पढ़ते हो या पांच बार कम से कम अस्तगफार पढ़ते हो और बुजुर्ग कहते हैं अलफो या अफो या चौदाह बार उस वक्त पढ़ लिया करो या कलमा शहादत पढ़ लिया करो तो आप लोगों के गुनाह जड़ जाते हैं सिंपल सा इसी तरह याद अचानक आती है याद एक मखलूक है आपको बचपन याद है बचपन तो है ही नहीं तो अब याद का नाम पास्ट रख दिया गया लेकिन याद है इलाही कि हमें उसने उस वक्त दिमाग में डाला चलते चलते दरूद पढ़ो हम पढ़ते हैं और वो लम्हा ऐसा होता है कि जिसमें हमारा वो मकाम तब्दील कर दिया जाता एक बंदे ने सारी जिंदगी अच्छे काम नहीं किए हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं चाहे वो आर्मी में चाहे पुलिस में चाहे सरकारी महकमे में लेकिन मर गए शहीद हो गए निशाने हैदर मिल गए चुन लिए गए आप और हम जज नहीं कर सकते हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सो कॉल जो नजर आते हैं उसका तजिया करते हैं जिसकी शक्ल अच्छी नहीं वो बुरा होगा और जिसके अमाल बुरे हैं वो अच्छा होगा कभी कभी देखो ली हमेशा कहते थे नजुलबल बहुत बड़ी बात कि दुआ जब भी है वो अपने अच्छे नसीब की मांगो हम कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चों ने इल्म दे, दे, दे। इल्म की दौलत इल्म बना देना दे। की बड़ी अक्सम होते है। हैं जिनको यह मालूम है कि हम वली उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बड़ा अच्छा होता है। और एक वली वो है होते हैं जो बेखबर होते हैं जिनको ये पता ही नहीं कि उनको चुन लिया गया और एक वो होते हैं जो दरबदर होते हैं बुल्ला शाह बुल्ला की जाना मैं कौन मैं ना पाकी मैं हूं ना पलीती में हूं ना आतिश ना फिरान हूं ना फिर हूं कौन मैं तो खुद ही को डिसकवर कर रहा हूं अभी तक वो डिस्कवरी खत्म नहीं हुई तो अनजा लेकिन है वली तो विलायत की जो किस्में हैं वो बहुत हैं अब आप कितना चाहने वाले हो बैत को जहां से आया है ये वली का लफ्ज वो अली से आया अली को मिला नबी करीम सल् वम से तो अच्छा अक्सर ये सवाल होता है कि जी पैगम्बर जो है रसूल जो हैं जितने भी रसूल जाए, नबी करीम सरतबे में सब नबियों के सरदार हैं चाहे वो आदम हैं चाहे वो यूसुफ़ हैं चाहे वह दाऊद सलाम है इब्राहिम सलाम है, सब नबियों के सरदार आखिर में रहे है, लेकिन है सब के सरदार अब जब हम ये जिक्र करते हैं कि नबी खुद क्यों नहीं करते थे वो काम जो अपने वसी को कहते थे तुम जाके ये करो इसलिए कि वो बताते थे कि जिसका वसी इतना ताकतवर इतना भरपूर है उसका जो वली व मुर्शद नबी है वो क्या होगा मुआजे नबियों के रहे असा को जमीन पर डाल दो असदहा बन गया सबको खा लिया लोहे को ऐसे करके पिघला दिया मछली के पेट में चालीस दिन तक रह गए इस तरह के बहुत सारे हैं, बीनाई खो गई जनाब इश्क में हजरत याकूब की फिर से खुशबू है यार जो बुए यार है वो सूंगी और बीनाई आ गई यहाँ अल्लाह ने कभी मना नहीं किया ना रोने से ना इश्क करने से वो इश्क तो यूसुफ है यूसुफ कौन है मखलूक है और याकूब जो है उनके लिए रोए जा रहे हैं अल्लाह ने कहीं कुरान में नहीं कहा याकूब क्या हो गया तुझे मैं अल्लाह हूं तो मेरी याद में रोया कर तू उसकी याद में रो रहा है जो मेरा तकलीफ किया हुआ ना ना, 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 ना। इसलिए इश्क गुना नहीं है इश्क वो एक मरतबा इलाही है जो वहां तक आपको पहुंचाता है लेकिन ये दरे अहले बैत से होके वहां तक जाता है थोड़ा लगेगा ट्रिकी लेकिन है नहीं तो रसूल जो है वो फैज देते हैं तो विलायत जब शुरू होती है तो आप बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हो रिक्कत तारी हो जाती है आपके आंख में आंसू आ जाते हैं वही वक्त होता है जहां पे आप लोगों को उसकी तरफ तवज्जो करनी होती है सारा खेल आपके अंदर कैफियत चेंज होने से है कैफियत कभी भी बदल जाती है जाहिरी तौर पर जो अच्छे नजर नहीं आते उनका पता नहीं है हमें कि उनके अंदर क्या है वो पता लगाने वाला उनसे क्या कुछ करता अच्छा देखो एक सिंपल सी बात है आपने कुरान को तफसील से पढ़ा कुरान में निकाह कैसे करना है इसका जिक्र नहीं है नमाज कैसे पढ़नी है इसका जिक्र नहीं है हमारे लिए कुरानी काफी है जो लोग ये कहते हैं ना तो कैसे काफी है फिर ठीक है कुरान दिखाओ कुरान में नमाज का नमाज कायम करो कायम करना क्या होता है हम एक बिल्डिंग कायम कर रहे हैं यानी ईंटें लगा रहे हैं तो नमाज ईंटों से तो नहीं बनती है ना इनविजिबल मेरी रस्सी को थामे रखो रस्सी है किधर भाई हम किसको थामे तो हर चीज को इशारतन अलग-अलग ज़बानों में आए तो उसके लिए हम दरे अहले पे दस्तक देते हैं रसूल से पूछते हैं कि वो कुरान आपने हिफ्स तो किया नहीं आपके तो कल पे नाजिल हुआ यानी उस क्रिएटर ने डायरेक्ट आपके सीने पर उतारा वो ये जो जुमरे बोलते हैं ना कि जिब्राइलाए हजूर पाक नीचे थे सीना चीरा दिल निकाला उसको धोया ये सिर्फ हवाई किस्से कहानियां भाई वो हजूर पाक नूर इलाही से तखलीक किए गए इंसान की शबी में आएगा उनका कल्ब तो जब ये कायनात नहीं थी जब आदम भी नहीं थे तब भी नूरिया नूरी था उसमें वो धोया और ये किया बहुत ज्यादा फेंटिसाइज करके ना वो जो मुख्तलिफ लोग आते रहे जो रसूल के तोबा न को नीचे की तरफ लाने के लिए काफिर थी कचरा फेंकती थी, थी उसकी औकात है जो हजूर पे कचरा फेंकी हर गलाजत हर गंदगी छू कर भी नहीं गुजरी मेरे रसूल को छू कर उसकी क्या मचाल ऊपर से कचरा फेंकती थी स्टोरीज बना दी हाँ वो रस्ते में कचरा फेंकती थी कांटे फेंकती थी कि ये गली है यहां से गुजरता है तकलीफ हो एक दिन उसने नहीं फेंकी तो आप का जो जर्फ है पूछने चले गए क्या हुआ ये रसूल है इंतकाम नहीं लेते रसूल रसूल तो वो भी हैं जो हजरत रसूल नदुआ भी दे दी कि तबाह कर दे ये तो मान ही नहीं रहे नो सौ बरस उम्र हो गई और अभी तक अस्सी तेरी तरफ लेकर आया बड़े बड़े रसूल आए जिन्होंने बददुआएं की और तबाह हो गई वो कौमे तुमसे पहले आने वाली कौमों को भी हमने गर्क कर दिया समंदरों के नीचे तय दुनियाएं हैं फिर नई दुनिया तखलीक करता है वो खालिक उसको आप हल्का नहीं ले सकते अल्लाह कौन है दिखाई नहीं दे रहा ना इसलिए हल्का ले रहे अबू बहुत मारेंगे अब है ही नहीं अब परदेश गए हुए वो जब आएंगे तो दिखा जाएगा इसलिए का रोब नहीं है अबू अगर घर में रोज दिखाई देते हैं तो आपकी टांगे कांपेंगी कि आज तो पिटाई भी होनी है और बेजती भी होनी है तो जो सब कायनात का शहनशाह है परवरदेगार उसको खोजने के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है ऊंची आवाज में दुआएं नहीं करना बस आंखें बंद करो और वो सामने है वो लतीफा या नाम है नाम आपके नफूस के पर्दों में छुपा है और आप देखना शुरू कर दोगे उसको उसकी रोशनी उसके जलवे, आपको हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जनाबे सलेमानसलाम हजरत सुलेमान शहनशाह एक ऐसे पैगंबर जो पैगंबर के बेटे और दुआ की परवरदगार मुझे ऐसी ताकत ऐसी हुकूमत चाहिए जो न किसी को दी हो न मुझसे पहले किसी की हो जिद कर रहे हैं प्यार कर रहे हैं अल्लाह ने कहा दी न तुझसे पहले किसी को दी न तुझसे बात किसी को दूंगा जनाब सुलेमान वो पैगंबर थे आपने हवा ऑक्सीजन फील की है सुनी है इसकी आवाज लेकिन ये गुफ्तु क्या करती है मखलूक की बात कर रहे हैं हवा मखलूक याद मखलूक सोच मखलूक जो आपके वजूद में हवाएं इजाजत लेकर चला करती थी और ये मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया की हर किताब में जो जो जनाबे सुलेमान को मानते हैं उनकी तफसीर में आप जाओ इतने हवाले हैं अच्छा हवाले दो तरह के लोगों के लिए होते हैं एक तो वो सामने जिसको यकीन ना हो कि ये जो बोल रहा है ये सच होगा उनको हवाला चाहिए क्योंकि कमजोर लोगों को हवाले चाहिए होते हैं एक वो है कि जो ये कह रहा है मैं खुद भी तहकीक करूं उनको हवाले चाहिए होते हैं अब अल्लाह की दलील क्या दू अल्लाह कौन है किसी ने देखा कभी किसी ने देखा जनाब मूसा भी नहीं कह सकते कि देखा सिर्फ सुना वो सुनाई तो कभी भी देखा लेकिन वो खुद कहता है मैं हूं दीदारे इलाही का सफर होता है मैं दिखता हूं। उनको जिनको मैं चाहता हूं हिजाब हटाता और वो वली पागल हो गए वो सिर्फ हंसते हैं कुछ वली ऐसे गुजरे जो सिर्फ हंसते इबादतें की चालीस चालीस बरस चिल्ले किए पानी में बैठ के पहाड़ों में गारों में हवाओं में दश्त बयाबा में जहां ना पानी है ना खाना है बस वो इश्क में उनको जब जलवा गरी उसका दीदार हुआ तो हंस हंस के पागल हो गए अल्लाह हम ढूंढ़ अल्लाह ये है अब वो बता भी नहीं पाए क्या कौन है और जिनको होश में रखा उन्होंने बताया नहीं उन्होंने कहा ना ना ऐसे थोड़े ही दे देंगे तुम्हें बता दें अल्लाह कौन अल्लाह कहां तो जनाब सुलेमान के लिए हवाएं पूछ के चला करती थी कि हम चल पड़ेंगे नहीं उनको हर मखलूक का बादशाह बना दिया गया इंसान जिन्नात एक टोला है पूरी इंसानियत का बादशाह एक है पूरे जिन्ना जहां वो रह रहे हैं सब जिन्नात उनके ताबे कर दिए गए परिंदे कायनात में जितनी परिंदों की किस्में हैं वो उनके ताबे कर दिए गए चिंटियां हशरात जानवर चौथी किस्में जानवरों के रींगने वाले जिनकी आवाज तक नहीं आती और तख्त सुलेमानी जो है वो छोटा सा कोई तख्त नहीं था कि जिसपे एक बंदा बैठता है जो अली फ़लाला की फिल्मों में आप देखते हो वो इतना बड़ा तख्त था कि उसके ऊपर किचन भी थे और उस किचन में सौ ऊंटों का गोश्त एक टाइम में पक सकता था तो कितना कुछ बड़ा तख्त होगा और वो इतना बड़ा तख्त था कि जिसे जिन्नात उठा के चलते थे परवर दिगार ने जब जनाब सुलेमान ने कहा मुझे हुकूमत चाहिए कहा अंगूठी फेंकी कहा यह इसे कभी उतारना मत पहन ली जो सुलेमान ने अंगूठी अब जन्ना हवाए ताबे, ताबे चिंटियां परिंदे उनका जब तख्त उड़ता था तो जो परिंदे थे अब तख्त का मैंने बता दिया वो कितना वसी होगा मीलों पर फैला हुआ तख्त और वो सूरज की हिद्दत उन तक ना पहुंचे तो दो लहरें दो स्टेज होती थी बर्ड्स की एक ऊपर है एक नीचे है जो ऊपर वाले बर्ड्स हैं वो जब पर ऐसे बंद करते थे तो नीचे वाले पर खोलते थे ये परवरदिगार के हुक्म से हो रहा है और नीचे वाले जब बंद करते थे तो ऊपर वाले खोलते थे टाइमिंग ऐसी थी कि परवरदिगार ने सूरज की एक किरण भी सुलेमान तक ना पहुंचे बस ऐसे थे और बड़े जलाली थे जनाब सुलेमान जलाली थे गुस्सा कभी ऐसा नहीं हुआ और विधम चल रहा है जहां अभी जाना जा रहे वही बार जनाब सुलेमान हवा में तख्त उड़ा और एक रोशनी की किरण आके मुंह पे लगी कहा तख्त नीचे बता परिंदों के बादशाह को बुला लिया उकाब को शाहीन जिसको बोलते उकाब को बुलाए कि मेरे मुंह पे रोशनी की किरण इतने बरसों बाद पड़ी ये कौन है परिंदा जिंदा या मुर्दा हालत में मेरे पास लेकर आओ। वो पता किया तो परिंदों ने कहा यहां एक हुदुद है जो अपनी जगह छोड़ के गया तो जनाब सुलेमान ने उकाब से अपनी जबान में कहा उकाब की जबान में कि जाकर लेकर आओ मुझे नहीं पता जिंदा या मुर्दा हालत में वो मुझे चाहिए वो उकाब जिस वक्त गया उसने देखा हदूद है हदुद एक परिंदा है उसको जब दबोचने लगा उसने कहा मुझे जिंदा लेकर जा उसके बाद भले ही वो जो सजा दें, मार देना लेकिन मुझे जिंदा लेकर वो जिंदा लेकर आया तख्ते शहनशाह है, बैठे हैं सामने हाथ जोड़े कहा तेरी मजाल कि तू अपनी जगह छोड़ के गया और एक सूरज की किरण अब सोचो वो कितने कुछ जलाली होंगे कितने नाज उन नखरे में होंगे परवरदिगार ने कितना एक ताकत दी है वो एक पूरी दुनिया है ये कुरान में जब तफसीर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा उस हदूद ने कहा मुझे मार दीजिएगा आप। आपके इल्म में परवरदिगार ने अल्लाह के नबी हर चीज डाल ली है पर जो खबर मैं लेकर आया हूं वो आपको भी नहीं पता हजर सुलेमान बड़े हैरान हुए कि मुझे नहीं पता तुम मामूली से हु तुम्हारे पास क्या खबर फरमाया ठीक है अगर वो खबर झूठी हुई तो तू जिंदा नहीं बचेगा खबर क्या है अल्लाह के नबी मैं अपनी जगह से हटा नहीं वो मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ तो मैं वहां से निकल के गया हवा तेज हुई और मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में गया जहां के लोग बड़े खुशहाल हैं जहां लग्जरी लाइफ है जहां आप सोच सकते हो कि कैसी जिंदगी होगी खुशहाल वैसी है और वहां बड़ा कंट्रोल है उस मुल्क की एक मलिका है जिसका नाम बिल्कीस है वो उसको चलाती है और उसका तख्त जो अच्छा मलकाज क्या है का जो तख्त है वो याकूत और, जवाहर से बनाया गया था। और वो इतना बड़ा और भारी था कि अगर आप दस हजार का लख, लश्कर जो है वो राइट साइड पे हो दस हजार का लश्कर जो है वो इस साइड पे हो तब उसको उठाना मुमकिन था यानी बीस हजार लोग कुछ किताबों में लिखा है कि पांच हजार इधर पांच हजार इधर आप दस हजार कर दो क्योंकि वो वह पत्थर है या कोतुम तो मरजान और मुख्तलिफ जो महंगे पत्थर वो कितने कुछ कीमती तख्त होगा जिस पे बिल्कीस बैठा करती थी तो जनाब सुलेमान ने हूद को कहा कि ठीक है अगर कुछ ऐसा है सच है तो ये मेरा पैगाम है ये खत लिखा कि अल्लाह की तरफ आ जाऊ मैं अल्लाह के नबी हूं उसके सिवा कोई महबूद नहीं है और वो खत हो तो दिया कि अब ये तेरी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचा गया मलका बिल्कीस का जो महल था उसमें इतने पहरे थे कि कोई छोटी सी चिड़िया पर भी नहीं मार सकती थी मतलब कितनी कुछ सिक्योरिटी होगी मुख्तलिफ रोशनदान हैं, दलान हैं, कुछ भी नहीं मुमकिन ही नहीं कि उसके महल में उसकी इजाजत के बिना कोई जाए फौजे सिपा सालार हैं, वो जिन्ना नहीं इंसानों की वो बस्ती है पूरा मुल्क है वो जब यह आया इसने देखा कि सब तरफ पहुला है परवर दिगार के हुक्म से उस रोशनदान में अंदर गया देखा मल्का बिल्किस सोई हुई है उसके सीने पर वो खत रखा वो वापस अपनी ड्यूटी पे हुआ मल्का बिल्किस की आंख खुली उसने खत पढ़ा किसी ने लिखा हुआ और उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ और लिखा हुआ मैं नबी हूँ तो उसका कलमा पढ़ ले पूरा वो एक बड़ा सा लोहे का एक ढाल होता है जिसको बचाया जाता है जैसे नगारा होता है ढोंग करके एक बेल होती है जो स्कूल में घंटी होती उस तरह की बादशाहों के महल में इस तरह के बड़े बड़े घंटे हुआ करते थे वो बजाया कि सारी काबीना इकट्ठी हो जाए बड़े बड़े बुद्धिमान जो दमाग वाले थे उनको कहा मेरे कमरे में ये कत कैसे आया सबने कहा हम तो आए नहीं किसी को पता ही नहीं कहा इस पर जो एड्रेस लिखा है इसका मतलब कि इस दुनिया में हमसे भी ताकतवर कोई कौम है मतलब जो यहाँ तक आके चले गए और हमें पता तक नहीं चला इस एड्रेस पे तुम्हारी जो फौज है वो उसके काफी सारे बंदों को तुमने लेकर जाना है। और तोहफे तहफ लेकर जाओ और देख कर वो कौन है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है और जाते जाते उसने कहा कि ये कुछ ईंटें हैं अच्छा हम जिसको ईंट कहते हैं उसका साइज ये होता है इजिप्त में आप एहराम मिस्र को अगर देखते हो तो वो बड़े बड़े ब्लॉक्स को ईंट कहा जाता बहुत बड़ा ब्लॉक होता है जिससे वो एहराम मिस्र भी तामीर हुआ वो जिन्नात ने किया इस पर भी काफी दफा बातचीत हो चुकी तो उसने कहा कि ये जो है ये पचास ईंटे जो हैं सोने की ये भी उस बादशाह के पास हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ यानी ब्लॉक फिफ्टी और ये ले जाओ और एक बंदे को हाकिम बनाया कि तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो तुम जाओ अब यह फासला है जिस जगह का एड्रेस है अगर आप तेज रफ्तार ऊंटों भी सफर करें तो महीने का फासला है जहां हजरत सुलेमान रहते हो जहां मलका रहती छ महीने वो दुख गया और वापस आया कब आया कैसे आया ये हमत है इसको ब्रैकेट में एम्प्टी रखा है अल्लाह ने कि वो कैसे चला गया छह महीने का फासला तय करने के बाद हजरत सुलेमान के पास उन्होंने पहुंचना है वो चल पड़े वहां से अब वो कुछ मील के फासले पे है मतलब कुछ माइल हैं समझ लो हंड्रेड माइल रहते हैं तो परवरदिगार ने जनाब सुलेमान को वही भेजी कि सुलेमान वो बिल्कीस मलका जिसको तुमने लेटर भेजा है उसकी जो कौम के बंदे हैं जो वजरा हैं वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं तो कुछ मील के फासले पर रह गए बस ये खबर देनी थी तुझे आज सलमान ने को मलका बिल्कीस का वो मतलब वो मुझ तक पहुंचने वाले हैं वो छह महीने का फासला तय करके आ रहे हैं तो ऐसे नजर दौड़ाई ये सारे दरबार में और कहा कि कोई है कहा किस लिए आंखें बंद की फिर वही आई क्यों, उसने तुम्हारे लिए पचास सोने के वो बड़ी ईंटे यानी ब्लॉक्स भेजे वो भी लेकर आ रहे हैं उनके पास क्या क्या है परवरदिगार ने बता दिया जी आए जनाब सलेमान को बता दिया कहा कि कोई है जो उनके यहां से जहां पे वो अभी हैं वहां से लेके मेरे दरबार तक पूरी रोड सोने की बना दे गोल्ड की चाहिए मुझे एक जिन खड़ा हुआ उसने कहा मैं कर देता हूं जाके बना दो अब वो सोने की पूरी सड़क बना दी अब वो जो पचास ईंटें ला रहे हैं एक सिंपल सी बात है कि मुझे कोई कहे कि यार आप एक काम करें आप एक अच्छा सा फोन ले लें मेरी औकात के मुताबिक एक अच्छा सा फोन ले लें मैं मार्केट में देखूंगा कि कौन सा अच्छा फ़ोन है वो मैं जिसको मिलने के लिए जा रहा हूं उसको गिफ्ट करूंगा कोई कहेगा कि जी आई फोन फिफ्टीन प्रो मैक्स सबसे लेटेस्ट है और वो ले लें ले और उसका ये कलर है मैं कहूंगा कि okay, वो लिया अच्छा सा पैक किया और अब मैं जब निकला और मैं किसी अमीर आदमी के पे आया अभी उससे मिला नहीं मैं बाहर हूं जहां पे उसके चौकीदार हैं हैं माली पानी दे रहे हैं, उनके पास भी 15 प्रो मैक्स हैं और वो बातें भी कर रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं जो खान साहब उनके पास भी वो हैं तो मेरे उस फोन की क्या औकात रहेगी कि मैं उस मालिक को जाके कहू भाई ये गिफ्ट लाया हूं ये सबसे लेटेस्ट है वो क्या चीज होगी तो जनाब सुलेमान ने ये बताने के लिए कि हमारे शश के मतलब तुम क्या लेकर आ रहे हो हम हम देखो क्या कर रहे हैं हमारी ताकत वो पूरी रोड ही सोने की बना दी जिस वक्त वो चढ़े उसमें उन्होंने देखा कि जहाँ हम जा रहे हैं अभी तो काफी मील रहते हैं तो ये तो सोने की है उसने वो जो बंदा था वजीर था जो जो हाकिम था उन पूरे काफिले का उसने देखा कि कहीं कहीं अब देखो कमाल है कहीं कहीं से ईंटें उखड़ी हुई हैं मतलब जैसे सड़क होती है ना टूटी हुई उखड़ी हुई हैं कहीं कहीं से ईंटें उसने जब वो गिनवाना शुरू की तो वो कोई सो ही ईंटें थी कुछ किताबें पचास लिखते हैं कुछ सो लिखते हैं तो वो पचास हम कंसीडर करते हैं जो मुस्तनद बुजुर्ग कहता है कि वो पचास ईंटें जो वो लेकर आया था तोहफे में तो वो उखड़ी हुई उसने कहा कि अगर जो मतलब ये सोने की सड़क के पास सड़क की पूरी पचास ईटों की क्या वैल्यू अगर तुम्हें तो ये वहां लेकर गया तो ये ना हो कि वहां का बादशाह कहे कि भाई मेरी पचास ही ईंटें उखड़ी हुई थी जिसको ये पता है कि कैसे कैसे रोड बनाने वो ये ना समझे कि मैं यही ईंटें उखाड़ के मैं वहां से लेकर आया हूं है ही नहीं वहां पर मिसिंग है अब जिन्ना हमारे जैसे कारीगर तो नहीं है लेकिन फिर भी बनाई उसकी है बुद्धिमान था उसने वो पचास इंटे जो टूटी हुई जगह थी उस पर फिट करवा दी और वो चल पड़े कि अब हम दरबार में आते हैं और गुफ्त करते हैं जब वो आए उन्होंने देखा गुफ्तु की कि हमारी मलिका है हमारे कुछ सवालों के जवाब आपने देने हैं और वो सवाल ये हैं अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए तो हम भी आपके और हमारी मलिका भी आपकी क्योंकि हम बड़े हैरान हैं कि ये सब कुछ ऐसा है हजरत सुलेमान ने वो काफी लंबा वाक्य उसको शॉर्ट करेंगे सारे सवालों के जवाब जिस तरीके से दे दिए वापस गए वो और उन्होंने मलका को कहा कि हम कुछ भी नहीं है जहां से हम जो देखकर आए अच्छा सवाल क्या था एक छोटा सा बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो उन्होंने कहा हमारे पास एक छोटा सा बड़ा कीमती मोती है सुच्चा मोती उन्होंने कहा इसकी दीवारें बड़ी कमजोर हैं मतलब जिस पत्थर के अंदर वो मोती है वो दीवारें बड़ी ना सुचे मोती की या बालियां पहनते हो तो वो दोनों साइड पर सुराख होता है उसके अंदर से ऐसे करके धागा निकला होता है तो उन्होंने कहा कि एक मोती पत्थर में है अब अगर सरासी भी जोर की या हल्की सी आंच यह भी टूट सकता है और अगर ये बच गया तो कोई तो कमाल होगा आपके इधर जो आपकी ताकत इतनी है कि दूसरा होल करना है और यह मोती भी ना टूटे और इसके इर्द गिर्द मतलब नजर आए जनाब सुलेमान ने निगार दौड़ाई वो एक जिन था उसको कहा मैं ये काम कर सकता हूं वो अपने हजम से बिल्कुल छोटा हो गया जिन्नात को परवर दिगार ने ताकत दी है ना कि कुछ भी शबी इख्तियार कर सकते हैं वो रगों में भी दौड़ सकते हैं हमारी हवाओं में उड़ के आसमान के पहले दर पे जाके सुन भी सकते हैं कि परवर दिगार ने क्या अहकाम फरिश्तों को दिए ऊपर क्या हलचल हो रही है ये एक्सेस भी दिया जिन्नाथ को आप हल्का नहीं लोगे इसीलिए जब जिन जादू टोना होता है तो लोग डर जाते हैं कि हमसे ज्यादा पावरफुल है तो उसने पहले उस दीवार को तोड़ा तो उस दीवार को तोड़ने के बाद वो इतनी छोटी सी साइज में आया कि वो जो सुराख थी उसके अंदर जाके दूसरी साइड से निकल आया और वो मोती नहीं टूटा फिर हजरत सुलेमान ने चुंटी को कहा कि मुंह में धागा पकड़ बहुत छोटी सी होल थी इधर से जा और दूसरी साइड से निकला चूंटी ने मुंह में धागा पकड़ा खामोशी से गई दूसरी साइड से निकल आई सजदे में चले गए उन्होंने कहा आप नॉर्मल बंधे नहीं हो हम मानते हैं कि आपका अल्लाह है इस तरह के कुछ सवाल थे तो मलका बिल्कीस को कहा कि ये हम 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 कुछ भी नहीं हैं तो अब अब आप चलो हमने ये कहा था कि आप भी उनके और हम भी उनके वो सलेमान हैं मलका बिल्कीस का जो तख्त था अब जाहिर है वो उठाएगा कौन जैसे मैंने कहा कि भाई वो <laughs> इतना था कि मतलब अगर पांच हजार लोग इधर पांच हजार इधर है तभी वो उठेगा वो कैसे जाएगा छह महीने की मुसाफत मलका बिल्कीस ने क्या किया कि वो जो तख्त है वो उसके इर्द गिर्द एक बहुत मजबूत पत्थरों का कमरा बना के उसको ताला लगाया बड़ा सेफ्टी वाला क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनके पास फिर उस कमरे के ऊपर एक और बड़ा महल सा बनाया और वो महल बनाते बनाते 25 महल यानी मकबरा 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 और हर एक को ताले लगाए कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये मुख्तलिफ जगह और सब पे पहरे बिठा दिए सब पे पहरे बिठा दिए कि कभी वापस भी आना पड़ सकता है और ये तो मैं नहीं छोड़ सकती ये मेरा फेवरेट जो तख्त है मेरा मर्जी का है चल पड़ी वो जो चल पड़ी मलका मिल्कि कुछ घंटों के फासले पे पहुंच गई सफर हो रहा फिर वही आई कि मलका बिल्कीस पहुंचने वाली हूं तो सचमुच आ रही है जनाब कहा और कुछ घंटों के फासले पे कुछ घंटे दो तीन घंटे बाद वो आपके महल में होंगी फिर नजर दौड़ाई इस तरह और कहा कि मलका बिल्कीस का जो महल में तख्त है जो उसका फेवरेट है मुझे परवरदिगार ने बताया वो वहीं छोड़ के आ रही है तो उसका फेवरेट है कोई है तुम में से जो तख्त मल्का बल्कि जो तख्त है वो यहां लेकर आए एक जिन ने कहा जो आम बस जब तक वो पहुंचेगी मैं ले आऊंगा कहा नहीं जब तक वाला काम नहीं है कितने तीन घंटे तीन घंटे में मैं छ महीने का फासला करके जाना छह महीने का आना यानी वन ईयर का फासला है एक आद इंसान के लिए जिनने कहा मैं तीन घंटे जितनी देर में पहुंचेगी मैं ले आऊंगा नान इससे भी तेज कोई है इंसानों की तरफ नजर दौड़ा ही नहीं रहे अचानक ही चचाजाद भाई है आसिफ बिन बरखिया कहता हूं लिखा जिन थे जिन नहीं थे भाई थे चचाजात भाई थे कजन थे जनाब सुलेमान खड़े हुए कहा मैं ला सकता हूं कहा सिर्फ तुम कहा क्यों का कितनी देर में ला सकते हो ये तू कह रहा मैं तीन घंटे में लाऊं आसिफ बिन बरखिया जो है चाचा भाई हैं जनाब सुलेमान के उन्होंने कहा जितनी देर में मालिक आप पलकें झपकोगे जितनी देर में अब मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये मैंने पलक झपक दी जितनी देर में आप पलकें झपकोगे जनाब सुलेमान ने ये बात सुनी उन्होंने पलकें झपकी कि अभी मैं देखता हूं ये क्या बात कर रहा है और जब पलक उठी तो तख्त जो था वो महल में मौजूद था वो गरीब बात है पर ऐसा कौन सा इल्म है जो तेरे ताकतवर जिन्नात भी तीन घंटे में करते हैं और ये तेरा बंदा जो नबी का चाचाजाद भाई है जो रुतबे में नबी करीम वसल्लम से कम है तो उनका चचाजाद भाई भी रुतबे में कम हुआ नबी रसूल हजरत मोहम्मद वसल्लम के चचाजाद भाई अली से रुतबे में कम हुआ अब इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि दो उंगलियों से कैसे खैबर को उखेड़ कर फेंका और वो खैबर में तो थे ही नहीं जनाबे अली और अली का जब नारा लगा तो वो कैसे आ गए कैसे आ गए इस इल्म को इल्म इल्म इलमे इल्म इलाही कुछ भी कह लो इसका पता सिर्फ वलियों को देता है वो कि कैसे जाना है पलक झप टाइम टाइम हमारे लिए जो कायनात में चल रहा है इस टाइम के परे भी एक चीज है जो फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है उसके टाइम का कोई ताल्लुक ही नहीं है टाइम रुक जाता है वक्त को पार कर जाते हो आप तो वो क्या है तो आप, आपको उस बात का जवाब मिल गया होगा कि वो आसिफ बिन बल्ग वो महल में वो कैसे लेकर आए तो जो जाहिर है छोटे नबी का छोटा वसी कर सकता है वो बड़ा ताकतवर भी कर सकते हैं अच्छा अब वो तो आगे का वाकया पता है कि मलका भल्कि बड़ी हैरान हुई मेरे तख्त मेरे आने से पहले कैसे पहुंचा जनाबे सलेमान सलाम अब हर चीज जब ताबे है जिन ताबे हैं हवा ताबे है परिंदे ताबे हैं जिन्नात के इंसान वो एक दिन तख्त पर बैठे हुए उन्होंने सोचा कि इस अंगूठी का क्या है मतलब सब कुछ तो मेरे ताबे हैं मेरे मालिक ने मुझे अंगूठी दी थी तो इसका क्या परवर दिगार अंगूठी क्या तो परवर दिगार ने वही की उतार के देख ये उतारी और हाथ से स्लिप हुई ऐसे करके और तख्त से नीचे चली गई वो ही देखते ही देखते वो नीचे एक दरिया था वो अंगूठी उसमें चली गई एक बड़ी सी मछली थी उसने मुंह खोला वो उसके मुंह में चली गई और वो चल पड़ी आगे गई तो उस मछली का शिकार हो गया शिकार हुआ तो वो मंडी में बिकने के लिए आ गई मछली वहां एक बंदे ने कहा भाई ये मछली अच्छी लग रही है ये दे दो वो लेकर आया उसने अपनी बीवी को कहा कि ये मछली जो है इसको मसाला वसाला लगाओ और शाम को खानी है अब वो जो बीवी है उसको कहा मसाला लगाओ साफ कर दो अब वो साफ करने के लिए पेट चाक किया के आंते मांते जो हैं वो फेंके औरत ने चाक किया तो अंदर अंगूठी दिखी अब उसने जो ही अंगूठी उठाई आवाज दी कि सुनिए इसके पेट में से एक अंगूठी मिली या अंगूठी मिली के लफ्ज के साथ ही दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई उस तो आदमी ने पूछा कौन है बाहर से आवाज आई पहले अंगूठी मेरे तक लेकर आ उसका मालिक हूं फिर बताता हूं मैं कौन हूं और ये वो जो अंगूठी है वो परवरदिगार ने उसी के अंदर को ताकत रखी है वो, वो क्या है उसके ऊपर क्या नक्श था उसके ऊपर मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम था बहुत किताबों में लिखा है बहुत सारे लोग कहते हैं ना 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 ऐसा नहीं है ये सिर्फ शिया लोगों ने बातें फैलाई है ये तो जो बहुत इश्क में सुननी है उन्होंने बातें फैलाई है तो ऐसा हो नहीं सकता परवर दिगार ने जनाब सलीमान अच्छा जिस वक्त वो अंगूठी गिरी तब तो वो जिन्हों को कह रहे हैं कि नीचे लेकर जाओ जिन बात नहीं मान रहे परिंदे छोड़ के चले गए सूरज आ रहा है जा रहा है इंसान भी बदजन हो गए अब उनकी जो कौम है वो उनकी बात ही नहीं सुन रही पारे माफ कर दे मुझे ये हुआ क्या नीचे आए तो अंगूठी जनाब सलाम का वो जो आसा है जिसपे खड़े हैं वो जिन्नात सामने खड़े होके काम कर रहे हैं महल बना रहे हैं आपने बहुत सारी चीजें सुनी आज ये जो इसराइल में लड़ाई हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जो ताबूत सकीना है वो हमारे पास हैं कुछ लोग दावत दावा कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी तो गुप्त है मिला ही नहीं है तो ये सब जानते हैं ताबूत सकीना के बारे में कि तो उसमें वो मुआवजा हैं जो कायनात में परवर दिगार की तरफ से चाहे वो जनाब मूसा सलाम का असा है या किसी का भी कुछ भी है उसमें ये अंगूठी भी तो वो खड़े हैं असा पे हाथ रखा हुआ है बड़ा सा एक कीमती लकड़ी की जो छड़ी होती है उस पर हाथ रखा है सामने जिन्नात काम कर रहे हैं मालकुल मौत आ गए जनाव सलमान ने कहा कौन है वे मतलब मेरी सल्तनत में मेरी इजाज़त के बग़ैर तो फनिंदा नहीं पर मार सकता तुम कौन तो मालकुल मौत हज़रत इसरा सलाम ने कहा मैं जिसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के नबी हाथ जोड़ के आया हूँ सलाम देता हूँ परवरदिगार ने कहा है कि सलेमान का वक्त पूरा हो गया उसकी रूह कब्ज़ कर लो कहा अच्छा तो मतलब मेरा टाइम खत्म हो गया खत्म हो गया ठीक है फिर मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं बिस्तर पे जाके लेट सकूं फिर रूह कब्ज कर करना परवर दिगार ने कहा जिस हालत में है सुलेमान की रूह ऐसी लानी इसमें क्या वजह है मैं नहीं जानता आपकी रूह कब्ज करनी है और लेकर निकल गए और जनाब सुलेमान वहां खड़े हैं अब जो जिन्नात हैं वो देख रहे हैं कि हमारा शहशाह खड़ा है सामने तो वो काम किए जा रहे हैं और हर एक बस वो खड़े अल्लाह के मसले आते हैं कि वो इतने जलाली है कि पूछ नहीं सकते कि आप इतने दिन से क्यों खड़े किताबों में लिखा है कि बीस साल तक उनकी जो मखलूक रियाया है वो आगे पीछे होती रही कुछ सवाल पूछने का मजाज ही नहीं है कैसे पूछे जब तक वो गुफ्तु ना करे और वो ये समझते रहे कि सलेमान जिंदा हैं फिर परवरदिगार दिगार ने एक दीमक को काले दीमक को यह कहा कि वो छड़ी चाट ले वो अंदर से छड़ी चाटना शुरू हुआ दीमक और जब छड़ी गिरी जनाब सलेमान गिरे तो तब पता चला कि वो पर्दे में चले गए हैं तब लोगों को यह पता चला है तो बहुत सारे जो वली गुजरे हैं दुब्बे कर रहा हूं प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा कि वो जो अंगूठी है वो जनाब मौला अली के हाथ में थी अब आप सोचो कि अगर मौला अली के हाथ में है तो कायनात की कितनी ही चीजें उनके कंट्रोल में हो सकती लेकिन उन्होंने उसका वो इस्तेमाल नहीं किया और कुछ किताबों में लिखा है ये वही अंगूठी है जो हालत रुकू में अली ने सदका कर दी थी अब कहानी समझो कि जो दरे अहले बै तो बतूल पे जाने वाले लोग हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम की तस्वीर पढ़ने वाले हैं ये कायनात के सबसे पावरफुल लोग हैं जिनके यहां जनाब सुलेमान की अंगूठी सदके में देना कमाल नहीं है ये जो मोजात है ना नबी करीम सल वसलम खड़े हैं और लोगों ने कहा कि हम अब काफी आ जाएंगे अगर मैं कहूं कि ये झूठ है तो उन्होंने कहा हम कहेंगे मंदे हो गए हैं कहा कि चांद तुम्हें मुझ पर शक है तो लो मैं चांद को शक कर रहा हूं और उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए यह मोजा बहुत ही छोटा है हुजूर की बात कर रहे हैं हम जनाब सुलेमान की बात सुन ली आपने अब चरिंद परिंद की क्या मजाल जो मेरे सरकार से आगे चले मोहम्मद से आगे मत चलना मोहम्मद के बराबर खड़े मत होना जहां रसूल खड़ा करके जाए वहीं रहना भाग मत जाना मुख्तलिफ चीजें कुरान जब आप पढ़ते हो तो और क्या क्या वाकयात हुए फिर वहां से अलग अलग फिके हम इसको मानते हम उसको मानते किसी को भी मानो आप अल्लाह की मानो विलायत की मंजिलों पर चलने के लिए आपको उसके इश्क में बहना जरूरी है और उस तक पहुंचने के लिए की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं ये वो कह रहा है कि मोहम्मद से वफा कर मैं तेरा ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं दुनिया मामूली चीज है ये भी दूंगा लोह कलम भी दूंगा लोगों की तकदीरें लिख अपने हाथ से मोहम्मद से वफा कर लेकिन यहां से उतारना यहां रखना मत कि उनको भी चाहते हैं बस चाह मेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र है कौसर की क्यों अहमियत है ज्यादा पाक को बेटा ना होने का ताना दिया औलाद नहीं जिनकी औलाद नहीं होती सुन लिया रंजीदा हुए रोय परसर तो अता की हमने फजीलत वो फातिमा के लिए जनाब फातिमा है उसका अर्क इसीलिए जब सूर्य कौसर आप पढ़ते हो तो आपके हर काम हो जाते हैं इन अता ही नकल कौसर सबसे छोटी पर दी अताकी तो हम सिर्फ लेने वालों की कतार में हैं तो फिर आप इस इश्क में बहने की कोशिश मत करना इसमें रहम ही रहम है अगर आप कसाई हो मुर्गियां जिबा करते हो जानवर काटते हो तो फिर इस मारिफत की दुनिया में आप नहीं आ सकते हो इसमें तो है ही नहीं ना आप तो चिंती पर पाव ना रखो वो तो पेशा है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं नहीं कर सकते हो अगर आप बेगुनाहों को सजा दे सकते हो अदालत में खड़े होके कि पैसा ही मेरा मजहब है मैं वकील या जज या अटर्नी जो भी हूं मैं किसी की भी तकदीर बदल सकता हूं तो नहीं कर सकोगे अगर आप इंसाफ के तकाजों के बराबर नहीं चलोगे क्योंकि होता नहीं किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया ठीक है हमारे पास हल है हल है हम हल ही तो ढूंढे जा रहे हैं और फिर फल भी जाए बुझू कनीजें हैं ना कायनात की जितनी भी जो ईमान वालियां हैं वो जनाब बतूर जनाब फातिमा की कनीजें हैं वो उनके साथ तभी होंगी जब आपने उनका उनकी औलाद का हक अदा किया होगा और हक कैसे अदा करें ना आप करबला में ना आप मदीना में ना उनके घर में रोटियां लाने वालों में कैसे हक अदा होगा इश्क इसके हकीकी में बहना है तो उस रब को समझो उस रब को समझना है तो सबको मत समझो सबसे पहले डिस्कवर करो अपने आप को फर्स्ट डिस्कवर यूर सेल्फ खुद को पालो खुद को खोजो हसत वो तड़प वो तेरा वो मेरा ये बदला, ये गुस्सा साफ फना कर दो वो वलियों मैं सबसे ज्यादा वली किसको फेवरेट करार देता है परवरदिगार जो सखी होते हैं एक वलियों की किस्म सखी जो जिसको देखते हैं कि इसके हालात अच्छे नहीं है वो ये नहीं कहते कि हम दे रहे हैं वो दुआ करना ये भी नहीं बोलते कहते हैं ले आ तो चाय पी मिठाई खा ले पानी पी ले क्योंकि उनको फील होता है तो वलियों की एक किस्म वो भी हैं जिनको नहीं पता हम वली हैं वो सखी होते हैं तो जिसको सखी बना दे और जिसको बकील बना दे वो किसका वली होता है इबलीस का फकील दिल में रखना उसको क्यों काम दू वो आगे ना बढ़ जाए अरे नहीं अच्छा काम है उसको छोड़ो किसी और को ले लो तो हमारे अंदर दो ताकतें हैं एक रहमानी एक शैतानी जो हावी होगी आपका नफ्स उसी का गोश्त खाएगा अपने नफ्स के कुत्ते को भूखा रखो वो भूकेगा हर बुरी चीज के लिए ये भी कर वो भी कर मत कर जो जो करोगे वो ताकतवर होगा गोश्त मिलेगा मिलता जाएगा उसको लागिर कर दो कि आखिर में वो बोटियों के इंतजार में ना हो तो जो देगा मैं खाऊंगा नफ्स के कुत्ते पे हावी होना है खुश रहिए आबाद रहिए। मेरे बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया इस शब का आगाज हम मजीद भी आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने सोचा कि आप हो जाओगे थोड़े से अधूरे है, तो हम एक एक करके सारे स्टार्स के बारे में आज आपको बताएंगे कि कौन क्या है प्लीज़ लाइक को हिट कर दीजिएगा मेरा ये चैनल दूसरा हमारा जो चैनल है द गेम चेंजर सीमी हैदर उस पर भी आप लाइव देख सकते हो सवालों के जवाब अगर चाहिए फ़ौन फ़ौर मुझसे कैसे रबता करना है तो वहाँ हमारी टीम मौजूद हैं और अल्लाह ताली हमारे सग़ीर कबीरा गुनाहों को माफ़ करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के जितने लोग देख रहे हैं उनके मन के अरमान पूरे हो जाए आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है परवरदिगार पूरी करे जो भी ज्यारात हज उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं परवरदिगार उनकी पूरी करे जो बेरोज़गार है उनको रिस्क हिलालताफ़रमा दे हमारे दस्तरखा हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे हैं परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ैब से अदा करे हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को महम्मद वाले मोहम्मद के सद के माफ़ करे जिन बेटियों के हाथ पीले नहीं हुए वालदे परेशान हैं या वो ख़ुद परेशान हैं गैब से मददगार भेज दे फरिश्ता सिफ्त इंसान उनकी ज़िंदगियों के लिए भेज दे उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए बीमार करबला के सद के जो मेरे बहन भाई जितने भी देखने वाले वो या उनके अजीज़ छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है परवरदिगार उन्हें सेहत शिफाई कामला वाजला अता करे जो गुजर चुके उन्हें जवार रहमत और जवार आयम में जगा दें जो इम्तहान दे रहे हैं उनको कामयाबियाँ अता करें उनको मुश्किलों से आज़ाद करे जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान है परफरदिगार उनके लिए अपनी एम्बेसी से ठप्पे लगा के नसीब हरा कर दे उनका जो कैद में है असीरा करबला के सद के उनको रिहाई का परवाना दे दुआ करो कि हमारे हाथ सिर्फ उसी की ज़ात के सामने फैले रहें किसी कमीने की मोहताजी न दे परफरदिगार ये जबी सिर्फ उसके सामने सजदे में झुके किसी और के सामने झुकने ना पाए सिवाय गम हुसैन के वो हमें कोई गम न दे आमीन मामीन शुरू कर दिया हमने आज का ये प्रोग्राम ये बेसिकली प्रोग्राम नहीं है ये आपकी और हमारा एक सेशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हम साथ साथ बहें बहुत सारे लोग देखने वाले लाखों की तादाद में होते हैं उनमें से फ्यू पीपल्स नॉट आट थाउजेंड्स फ्यू पीपल्स जिनके साथ मेरी बात होती है बहुत सारे ऐसे हैं जो खामोश हैं जिनसे बात नहीं हो पाती वो जब मुझ तक आते हैं मैं जानता हूँ कैसे आते हैं मुझ तक आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आपकी बात सुनते सुनते सो जाते हैं तो ये अच्छी चीज़ है <laughs> बहुत अच्छी चीज़ हम क्या करें बाद में वो सुनते हैं प्रोग्राम वो हम बुज़ुर्गों की एक मिसाल देते हैं कि दो रास्ते हैं परवरदिगार का या मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जिक्र होता है वहाँ सुकून है कि दो आप सफ़े बिछाओ एक पे गुलाब की पत्तियाँ हैं और दूसरों पे कांटे हैं नींद किस पे आएगी डेफिनेटली गुलाब की पत्तियों पे एक रूहानियत का एहसास होगा सुकून भी आएगा परवरदिगार दिगार आहोश में भी लेता कांटों पे नींद नहीं आती तो जो गुनाह के रास्ते हैं वो कांटे वाले अगर आपको नींद आती है तो जरूर सो जाए करो ठीक है चलो एक एक ख़ास दुआ आ, सीमी मैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से हमने दो तीन दिन शोज करने थे उनकी लेग में बहुत पेन अचानक ही आ, वो पेन शुरू हुआ और बहुत फिर दवा ले रही हैं मुसलसल तो चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लेके सहारा लेके अगर आप आके बातचीत ज़रूर करना चाहें लोग आपको सुनना चाहते हैं तो उनके लिए दिल से दुआ कीजिएगा बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अली ट्वेंटी फाइव डॉलर यहाँ पर आपने सदक़े के भेजे हैं इंडिया से अभी टू हंड्रेड भी आए थे आपके लिए परवरदिगार खास रहमत नाजिल करें हमारे दिल से निकलती हैं दुआएँ प्लीज़ डू सुपर चैट उन लोगों के लिए जो परवरदिगार की तरफ हाथ किए बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे लिए आसानियां पैदा कर दो जितने दे रहे हैं जिस तरह बरस रहे हैं इस तरह आपकी ज़िंदगी पे ये बरसते रहें हमारे दिल से निकलती हैं दुआएं पर परवरदिगार आपके मन के सारे अरमान पूरे कर दें सो एरीज वालो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में क्या रंग लाने वाला है आप जानते हो कि नहीं देखो ये जो वीक है ये इंग्लिश वाला वीक है हफ्ते वाला वीक है और इंग्लिश में ही एक और वीक होता है जिसको कमज़ोर कहते हैं ये आपकी कमज़ोर जिंदगी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए परवरदिगार ने प्लानेट को इशारा किया ये हफ़्ता आपको देखना नसीब हुआ यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है इस हफ्ते बड़ी रहमतें हैं जो जो चीजें आपको डिप्रेस किए हुए थी खासतौर पे रिलेशन इन फाइनेंस उनका कोई हल निकल आएगा इस पूरे हफ्ते में कुछ खास चीजें आपके इर्द गिर्द होगी कुछ नए लोग आपको सपोर्ट करेंगे यहां पे नई जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे कि चलो जी हमने ये जॉब लेनी है तो बड़ी आसानी से आपके हिस्से में आ जाएगी और ये याद रखिएगा शराकत दारियाँ जो हैं यानी जॉइंट बिज़नेस वाला जो है इसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है बट डिपेंड करता है कि आपको मैच करना है उसका अचानक ही किसी के साथ भी बिज़नेस नहीं शुरू कर देंगे वरना वो पैसा ब्लॉक या डूब भी सकता है जिस तरह शादी के लिए मैच होता है इसी तरह आपको ये बिज़नेस के लिए भी मैच करना होता है ताकि आपको आपकी ज़िम्मेदारियों का पता चले जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी आपकी फैमिली का प्रेशर रहेगा अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रेशर जो है आपने नहीं लेना देखो इस कायनात में बड़े बड़े लोग हैं वो हमेशा दूसरों की सोच की वजह से बीमार होते हैं क्या हुआ आपके वालिद साहब को जी उनके बेटे ने ये कर दिया हार्ट अटैक हो गया जी अम्मी को क्या हुआ वो बहुत डिप्रेस्ड हैं बेटियों की शादियां नहीं हो रही क्या हुआ ट्यूमर हो गया कैंसर हो गया यानी दूसरों की दी गई परेशानियों से आपकी जान भी जाती है बीमारियां भी लगती है प्लीज क्लीन करो थोड़ी देर के लिए उस चैप्टर को क्लोज कर दो हमल वालो इरीज वालो आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं निकाल सकते मेरी अम्मी के लिए मैं कर रहा हूं या कर रही हूं मैं अपने अब्बू के लिए भाइयों के लिए हस्बैंड के लिए किसी के लिए भी कर रही हूं आप जो भी हो आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद करोगे खुद को आपने पम्पर करना है जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती इस दुनिया में सब कुछ पैसा ही हो गया है एक्चुअली इसलिए अब कोई बाढ़ नहीं लगी आपको थोड़ा मिलता है तो आपको ज्यादा की तलब होती है आपको बहुत मिलता है तो आपको और की तलब होना शुरू हो जाती है और फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है आप डिजर्व करते थे ये सब जबकि आप वो वन रोटी भी डिजर्व नहीं करते अगर वो ना चाहे तो आप सिर्फ सिर्फ आपने अपना सोचना है क्योंकि अगर आपने यहां से अपने आप को ये ये हल्के लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा है तो वसाइल भी होंगे सब कुछ होगा लेकिन आपकी हेल्थ नहीं होगी स्ट्रेस लेवल इतनी तेजी से हाई हो रहा है उसको कंट्रोल करना है जो तस्वीर मैं वीकली देता हूं पानी पे दम करके जरूर पी लिया करूँ रिलेशनशिप के हवाले से क्योंकि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर आपके शरीर के सफर को, को ट्रैप करने के लिए ब्रेन कंट्रोलिंग के लिए मैजिक कर सकता है इस हफ्ते और ऑलरेडी वो एक्टिवेशन शुरू है Sign है जिनको काबू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लिब्रा कैप्रिकॉन पाइसिसरीज ये पांच स्टार्स हैं जिनको आप ऐसे नकेल नहीं डाल सकते हो उनको आप वोडो के जरिए ही कर सकते हो तो अब आपके लिए बाकी लोगों पे भी होते हैं लेकिन ये हंड्रेड परसेंट कंट्रोल करने के लिए मुजूर घोड़ों को ये दिया जाता है परवरदिगार कुछ नए मौके देगा लैंड एंड प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो तो अच्छा हो जाएगा सबसे अच्छी चीज इस हफ्ते की है कि आपका वीजा इशू हो जाएगा अगर आपने जमा नहीं करवाया तो आप जमा करवा सकते हो आपके लिए बहुत आसानी होगी परवरदिगार आपको यह मौका बार बार देगा इस हफ़्ते का आगाज़ अच्छा है ज़ाहिर है कल से जो ही दिन शुरू होंगे तो खुशियाँ इर्द गिर्द होंगी इसमें आप किसी के घर मद्द भी हो सकते हो कोई आपकी तरफ भी बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं वो आ सकते हैं जिससे आपकी बॉडी पे अच्छे असर पड़ेंगे तलब की ख्वाहिश ज़्यादा हो जाएगी मतलब कोई भी चीज़ है एलिमेंट ऑफ ग्रीड जब बढ़ता है तो हम कहते हो, ओहो थोड़ा स्टॉप करना कि हर चीज़ होना ज़रूरी नहीं है उस चीज़ पे खुश रहना ज़रूरी है जो हासिल है जिंदगी में जो हासिल है उस पर खुश रहो तो जिंदगी आसान लेकिन अब क्योंकि ये अहदा बढ़ने की एक पेशन गोई हो रही है सितारों में इसलिए अब आपने जायजा लेना है कि कितनी कुछ कैपेसिटी है आप कितना कुछ लोड बर्दाश्त कर सकते हो बैलेंस करना है क्योंकि इसमें दो डायवर्शन है अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो और साथ में जॉब भी करनी है तो बैलेंस करना पड़ेगा बीमारी है सुस्ती है हवा है तो होगी नहीं देखना फिर सर्दी गर्मी नहीं देखनी लेकिन इस वक्त आपकी डायरेक्शन एक साइड पे रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है फिर कहीं और से सोर्स मिलेंगे अच्छा बहुत ज़्यादा ईगो वाला चक्कर अपने अंदर मत रखो कि उसने नहीं किया तो हम क्यों करें उसने हमारा अच्छा नहीं किया तो हम क्यों उसको थोड़ी सी देर के लिए नीचे लेकर आओ क्योंकि आपकी जज्बाती वस्तगी एक अलग चीज़ है और आपकी ज़िंदगी में जो आसानियाँ वो अलग है बैंक से लोन वोन मिल सकते हैं थोड़े से नागवार किस्म के लोगों के मुँह भी लग सकते हो लेकिन वहाँ भी शेटअप कॉल देना होगा कुछ ख्वाब अल्लाह की तरफ से आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे बड़ी शहरों में सफर करते हुए नजर आ रहे हो आमदनी में इजाफा है कुछ लोग ये बड़ी हाईलाइट कर कुछ लोग मुदाखलत करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में उनको आने की इजाज़त मत देना दूसरे आपको तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं बट आपके अंदर जो स्परिचुअल पावर हैं वो उनके ऊपर हावी हो सकती हैं शहर मुल्क या घर का तब्दील करना आपके लिए मुबारक है इलाज मुआवालजा आप लिए मुबारक है अहदे का बढ़ जाना यानि आप छोटी स्टेज पर हो बड़ी स्टेज पर चले जाना ये परवर ने आपके लिए लिखा सो इरीज़ वालों आप लोगों के लिए ये जो वीक हैं ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है तो इस हफ्ते वालों के लिए जो लव है वो फोर्टी थ्री परसेंट है या आप देखो एंगर है थर्टी वन साथ पानी भी पी लू रिलेशनशिप एटी टू परसेंट है मनी फोर्टी वन हेल्थ एटी थ्री रूहानियत तो उन्नीस परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन है 66% परसेंट और यूं लक आपका साथ देगी 41% परसेंट पूरे हफ्ते में बहुत बड़ी तादाद होती है तस्वीरें पढ़नी हैं तो आपको पढ़नी है ये सलाम हो या रहमान हो ये दोनों तस्वीरें हंड्रेड हंड्रेड वाली जो तस्वीर होती है पानी पे दम करके आप पी सकते हो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए और राइस कुकड या अनकुकड हालत में आप दे सकते हो आप आटा दे सकते हो हजब तोफ़ी पांच मौसमी फल दे सकते हो चाहे वो कुछ भी हो और मनी भी दे सकते हो ग्रीन ग्रे एंड येलो ये दो कलर तीन कलर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे प्यारो। बेस्ट ऑफ लक हमारे एरीज के लिए एंड वेलकम करते हैं इस वक्त टॉर्स को टॉर्स वालों आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरने वाली है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो जिंदगी में एक एक लम्हा करके हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें थोड़ा सा शायरी का तड़का भी दे दें तो शायरी का तड़का भी जरूरी है तो लो, फिर कहीं कहीं तड़का आ ही जाएगा किसी को हाज़त दस्तक नहीं है जुनू के शहर में फाटक नहीं है खसारे में दुकानदारी है मेरी यहां गम का कोई ग्राहक नहीं है ये दोनों बेवफाई कर रहे हैं मगर एक दूसरे पे शक नहीं है न जाने कैसी मौत आई है दिल को न जाने कैसी मौत आई है दिल को धड़कता है मगर धक धक नहीं है खुला हम पे याद है रास्ते में पहुंचती राह ये तुम तक नहीं है बहुत खुश हूं मैं अपने से बिछड़कर बहुत खुश हूं मैं अपने से बिछड़कर कि अब हमजाद की बकबक बक नहीं है क्या हमजाद की बकबक बक नहीं है मेरे दर पर किसी की बदुआ से हवाओं तक की भी दस्तक नहीं है वहां मंजिल नहीं पाती मुसाफत जहां पर जुस्त अंतक जु अंथक नहीं जहां पर जुस्त अंतक जु अंथक नहीं मेहनत जु बहुत हार्ड वर्क डूबने के बाद ही तो ये मंजिल मिला करते हैं देखो होने ही वाला है वो सब कुछ जिसका इंतजार कर रहे हैं हमारे प्यारे यानी सार वाले अवधा आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रांगली आपको मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वक्त अब ऐसा शुरू हो चुका है जिसमें बहुत बड़ी चेंजेस आपको महसूस होंगी ये चेंजेस आपकी बॉडी आपकी सोच और आपके किरदार के अलावा आपके फाइनेंस पे बहुत तेजी से दिखाई दे रही है इसमें जो सबसे वर्स्ट चीज़ थी जो पास्ट में हम देख रहे थे वो है रिलेशनशिप की ग्रोथ जो कि बड़ी कम थी अब क्योंकि आप चाहते हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो मुख्तलिफ चीजों की वजह से हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए जाहिर दुनिया है जीना है मुकाबला है मुकाबले में अगर आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे तो फिर आप डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे स्लीपिंग फील्ड से लेंगे और सो जाएंगे दो तरह के लोग नींद की गोलियां देते हैं एक वो जिनके पास करने को कुछ नहीं होता नींद आती नहीं उनको गोली लेनी एक वो जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और कर भी लिया और नींद नहीं आ रही उनके लिए भी होती थक सोना एक अलग चीज है के बकबक बक के सोना एक अलग चीज़ है आपको थक के सोना अब यहाँ से इस पूरे वीक में कुछ स्टार्स हैं जो आपको अननोन लोगों से रोशनास करवाएंगे नए लोग आपकी ज़िंदगी में अब वो काम काज के लिए आ रहे हैं वो रिलेशन के लिए आ रहे हैं ये आलम अभी आपके सामने आ जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कुछ लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे अगर आप शरात दारी का काम करना चाह रहे हैं सबके लिए अलग है हर बंदा अमीर नहीं होता कि बिज़नेस शुरू कर दे हर बंदा बिजनेस करना नहीं चाहता क्योंकि जॉब से बड़े फायदे हो रहे होते हैं अगर आप किसी मल्टी कंपनी में ये बड़े अहदे पर हैं आपको अच्छे खासे लाखों रुपया मिल रहा है तो आप क्यों करेंगे वो पैसा इन्वेस्ट कि जी हम अपनी बकबक ले लें दूसरों का पैसा तो हर बंदे के लिए एक अपनी सीट होती है तो आपके हिसाब से अगर आपको ये लग रहा

बहुत जैसे चांद निकलता है पूरा चादवी का उस तरह आप निकलोगे और लोगों को दिखाई दोगे लेकिन इस सफ़र को खामोश रखना है। आपके प्लानेट की आवाज़ है कि बहतात रवैया ही आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है उस चोटी पर पहुंचने के लिए हंगामा करना ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों से आवाज़ टकर के आपकी वापस आएगी कभी कभी गलत भी आ <laughs> वो <laughs> एक फिल्म थी जिसमें जाने टाइप की कोई फिल्म थी उसमें शाहरुख खान पहाड़ पे खड़े होकर आवाज़ देते हैं और दूसरी साइड से वही आवाज़ टकराती और हिंदी फिल्मों में ये बहुत दफ़ा बहुत जगह पे ये शुभबाजी हुई है वो तो यहाँ से करते थे किरान तो दूसरी साइड से आवाज़ आती थी किरान 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 टकराती थी और किसी ने कहा ये ऐसी जगह है जहाँ अगर आपकी आवाज़ टकरा के वापस आ गई तो आपका प्यार आपको मिल जाएगा वो किसी ने कॉमेडी फिल्म बनाई थी वो बी क्लास तो कहना ही थी सी डी ई क्लास थी क्लिप था क्यों लड़का उसी जगह पे सेम राम जाने टाइप की फिल्म थी और शाहरुख बना हुआ है और आके लड़की वहां पे प्रिया नाम था उसका और वो कहता है प्रिया और दूसरी साइड से आवाज किरण की आती है कभी नीतू की आती है कभी गीता की आती प्रिया की यानी वो इतना प्ले लड़की, लड़की उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते तो आपने ये नहीं कहा जो भी किरण चिरण है उसी की आवाज वो कारनी है आजकल किरण का उरूज है सूरज की रोशनी चांद का हाला, इर्द गिर्द जो भी बना हुआ है ये आपको बहुत ज़्यादा उरूज देगा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा आपका सबसे सेंसिटिव जो चीज़ होती है कि आप खामोश हो आप अंदर ही अंदर से घुल रहे हो आपके जो टारगेट हैं वो वक्त पे छोड़ दिए कि अब ये वक्त आए तो हम ये करें हमारे इख्तियार में तो सब कुछ है और वो वक्त नशा बन के आपके लहू में भागना शुरू हो जाता है और वो वेटिंग प्रोसेस आपको डिप्रेशन का मरीज़ बनाता है सो अब आप तनहा नहीं हो अब आपको दो चीज़ें करनी है एक तो अगर आपके साथ महबूब है कोई बेस्ट फ्रेंड है दोस्त है या मियाँ बीवी का जो भी रिलेशन है उनके साथ आप हर चीज़ गुफ्तु करके उसका हल निकालोगे सब पोट मिलेगी तो आपके काम होंगे वरना आप वहीं पे अटके रह जाओगे ये मौका आपको पहले कभी नहीं मिला होगा जिसमें आपको अपना दिल खोल के रखना है आप कौन हो आपको ये बताना है आप क्या चाहते हो कामकाज के हवाले से या रिलेशनशिप को बचाने के हवाले से सब को फल आपको मिलने वाला है वो लोग जिनकी दूसरी तीसरी शादी होनी है तलाक हो चुकी है या फिर मंगनी निकाह हो चुका है और डिले पे डिले हो रहा है तारीख पे तारीख तो वो तारीख़ पे तारीख़ नहीं होगी आपको कुदरत इशारा कर रही है कि बहुत जल्दी आपकी तारीख पक्की हो जाएगी सीमेंट से नहीं ज़बानी कलामी लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलने का आपकी फैमिली आउट ऑफ फैमिली से आने वाले रिश्ते आपको एक नई मुहिम पर ले जाएंगे और आपकी शख्सियत की में जो एक एतमाद है वो बढ़ जाएगा तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये जो वीक है आपको बहुत सारे आ, मैजिक जादू टोना जो चीज़ें हैं उनसे निकालेगा घर की आ, जो खुशहाली है वो तो आती हुई नज़र आ रही है लेकिन घर के ऊपर जो पैसा वैसा लगा रहे हो थोड़ा बहुत अगर लगाओगे जिसका ट्वेंटी परसेंट आपके पास जो सेविंग है उसका ट्वेंटी परसेंट से ज़्यादा मत जाना अच्छा एक चीज होती है जहाँ पे हम रिश्ताम बोलते हैं रिश्ताम एक सितारा होता है जिसमें आपकी इस चीज़ को चेंज करने के लिए कहा जाता है और ये दो चीज़ों के लिए होता है बीनाई और आपके पाँव इन दो चीजों का ये एक प्लानट होता है ये सेवनटीन फ्लोर का सितारा होता है ब्लैक होल के लेफ्ट साइड पे होता है और इसकी एनर्जी मरकरी भी लेता है जुपिटर भी लेता है मरकरी सबसे आगे और जुपिटर जाहिर है बड़ा ये दोनों लेकर फिर आगे मुख्तलिफ हिस्से डाल रहे होते हैं जब ये आता है इसकी एक्टिवेशन होती है तो इसमें कहा जाता है या तो आप अपना चश्मा बदलें या चश्मा लें या फिर आप अपना जूता बदलें तो ये दोनों चीजों की पेशन गोई हो रही है बिकॉज के हो सकता है आपके तलवों पिंडलियां पाओ के मसले मसाइल शुरू हो जाए और थ्री डिफरेंट प्लान के लिए

कुछ का पता चल जाए तो कूच कर लेते हैं या अगर आपको लग रहा है टॉरस वालों सालों आप जिस मुल्क में हो वहाँ पे अब आपकी दाल नहीं गल रही तो फिर जितना जल्दी हो सके वीजा इमिग्रेशन में जाना आपको केस डालना है और आप किसी दूसरे मुल्क में हिजरत करते हुए दिखाई दे रहे हो तो ये बहुत पावरफुल स्टार्स हैं इसको हल्का नहीं लेना है आपने तो ये वीक पूरे का पूरा आपका बड़ा स्ट्रांग है इसीलिए आपको लव फोर्टी नसीब होने वाला जो बहुत अच्छा है एंगर थर्टी फाइव ज्यादा है गुस्सा कम करो अच्छा नहीं रिलेशनशिप सेवेंटी सेवन परसेंट है मनी थर्टी नाइन है लेडीज एंड जेंटमैन आप लोगों के लिए हेल्थी टू परसेंट है रूहानियत इक्कीस परसेंट स्परिचुअलिटी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा स्टडी एंड एजुकेशन जो है वो फिफ्टी फाइव परसेंट है मेरे अजीजों और लक आपका साथ दे रही है फोर्टी परसेंट और ये बहुत ज्यादा होता है फोर्टी परसेंट कम नहीं है इसीलिए तस्वीर आपको पढ़नी है यार रहीम या मोह तीन लोगों को खाना खिला सकते हो सतके में सूजी या सूजी का हलवा दे सकते हो मीट विद द बोन्स हड्डी वाला गोश्त जानवरों परिंदो या इंसानों को दे सकते हो उन कैश भी दे सकते कलर, हो कलर ब्लैक स्काई ब्लू एंड पर्पल जो पेहनोगे तो पर, पर दिल के पास तुम रहते हो और आप रहते हैं लेकिन अभी आपसे करीब कौन रहते हैं जानते हो ना हाँ ये वाले इनकी किस्मत के सितारे बुलंद हैं और इनके लिए हालात हाज़रा भी बड़े अच्छे होने वाले हैं इनके लिए सब कुछ अच्छे होने वाले हैं पहले यहाँ हम देखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे मौजूद हो हेलो लेडीज जेंटमैन ये आ, तीन डेस्टिनेशन पे जा रहा है फेसबुक मेरे फेसबुक पे जा रहा है द गेम चेंजर सिमी हैदर यूट्यूब पे जो चैनल है मैम का उस पर यह लाइव जा रहा है और ये राजा हैदर चैनल पर जा रहा है एंड प्लीज़ टिक टॉक है मेरा मेरा क्या है द रियल राजा हैदर रियल राजा हैदर द नहीं लिखना रियल राजा हैदर मतलब मीना उस पर कोई भी नहीं है हम वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा प्लान बना के बैठे हैं कि आपके लिए लाइव हम बहुत अच्छी स्ट्रीम देने वाले हैं और इंस्टाग्राम पे भी तो जीते हैं इंस्टाग्राम पर है राजा हैदर सिंपल भी लिख दो या आर डबल ए जे ए के साथ लिखोगे दोनों पे है वेरीफाइड ब्लू टिक है इंस्टाग्राम पे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो मैं हूँ और टिकटॉक पर भी आप देखोगे ठीक है चलो लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को जमेन की ज़िंदगी में क्या होने वाला है फिर उसके बाद आते हैं और बात करते हैं फिर से कभी अफशा नहीं करते जो दिल में राज रहते हैं कभी अफशा नहीं करते जो दिल में राज रहते हैं हम इस मजमू में हरकत से हमेशा बाज रहते हैं। जिसे पाते हैं रख लें तुमने आंखें अपने माथे पर जिसे पाते ही रख तुमने आंखें अपनी माथे पर हमारी जेब में ऐसे कई एजाज रहते हैं कहां गिरगिस की हिम्मत आशना उस पर बनाने की बुलंदी पर चटानों की तो बस शहबाज रहते हैं शिकस्ता बालों पर की फिक्र कब अपनी उड़ानों को हमारे हौसले जब शामिले परवाज रहते हैं उठाए नाज भी अब सात मिसरों के जरा साहब हसी हो शाह तो फिर बड़े अंदाज रहते हैं तेरी दस्तक के पहले मुंतजर था सिर्फ मेरा दिल दरो दीवार भी अब गोशबर आवाज रहते हैं मेरे जज्बात मर जाते हैं मेरे अंदर के जिंदा में मेरी चीखें मेरे नाले बे आवाज रहते हैं हुनर ये है कि हर कार्य जुनू अंजाम तक पहुंचे ये माना सब मसाइल बढ़ आगाज रहते हैं कुछ खत्म नहीं होने वाला है इतना सोचोगे तो जान जाएगी जान तो है ना सब कुछ आने वाले वक्त को हाथ फैला के खुश आमदीद कहने के लिए जंग तो लड़नी है ना जमना है मानो और ये जंग जीती दिमाग से जाती है दिल से जाती है से जाती है इन तीनों चीजों पे गिरफ्त पाने का वक्त आ गया है इसीलिए हम आपको मुबारकबाद देंगे कि ये टाइम आपका शुरू हो चुका है मेरे प्यारे जमेना वालों आप लोगों के लिए वक्त उड़ान का है उड़ने वाले हो मरकरी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी गोल्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगी देखो आप अगर मेरे पुराने शूज देखोगे पुराने जमुरात कुछ हफ्तों पुरानों तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना जरूरी है अभी दो तो महीने पहले अगर आप देखोगे तो बीस हजार डॉलर के करीब बिटकॉइन चल रहा था आज उसका रेट है फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर फाइव हंड्रेड अब जब वो ऊपर जाता है तो पीछे भी, भी जाएगा बाकी लोग भी ऊपर जाएंगे लेकिन इस पूरे प्रोसेस को साल तो लग जाएगा जिन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो बेच दिया कोड़ियों के मोल वो पछता रहे हैं तो आप गोल्ड में कब करना है पैसा कब लगाना है लैंड में आप इन चीजों का ख्याल रखोगे किसके साथ आपने लगाना है छोटी इन्वेस्टमेंट है बड़ी है उसके बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं और उसके लिए अलग से हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें हम आपको थोड़ी सी आगही देंगे इसके बारे में अच्छा ये देखना कि ये जो पूरा वीक है जद्दी वालों के लिए ये उन लोगों के लिए है जो नेम एंड फेम की गेम में थोड़ा आगे भागना चाह रहे हैं उनको शोहरत चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इस हफ्ते हो जाएंगे वीज़ा अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है तो बड़ा मुबारक होने वाला है यहाँ तक कि अगर इम्तहान दिया है कोई तो उसमें भी आपके जो मार्क्स हैं नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं और स्कॉलरशिप की एक हो जाएगी तो ये हफ्ता हर लिहाज से अच्छा है एक लिहाज से बदकिस्मत वो है रिलेशनशिप ब्रेक होने का इसमें क्योंकि आपका इमोशनल और एंगर का वो जो एक एलिमेंट है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आपकी जुबान न कोई ऐसा जुमला निकल आए कि सामने वाला गए अच्छा जी ज्यादा फिर नस जाओ और फिर आप पछताओगे और फिर वो तीर वापस नहीं आएगा सो अल्फाज उस तीर की तरह है जो निकल जाए कमान से तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है तो अपनी जबान के दरिंदे को दांतों के पिंजरे में बंद रखो तो ज्यादा बेहतर है ये है मुद्दा इस हफ्ते का कि थोड़ी खामोशी सफाई की तरह खामोशी भी है जितना इल्म बढ़ेगा इतनी ही गुफ्तगू कम होने लगेगी मौला अली का कॉल है ये ना कि आप तो बहुत बोलते हैं इसलिए बोलता हूँ आपके बारह सितारे हैं अगर ना हो तो कर के थे। मैं चुप करके तो मैं नलका लाण थोड़ी आया दसना आया सुनो और आगे बढ़ो ठीक है तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशनशिप नियाम बीवी का भी है वो तलाक की सूरत में जा सकता है और दूसरा जो आपका बीएफ जीएफ टाइप की चीजें चल रही होती हैं उसमें भी है उस बहुत है सिक्सटी फाइव परसेंट है जो कि आपका नहीं होना चाहिए वैसे तो आप पिछले दिनों बहुत अच्छे बन गए थे 18 परसेंट भी आ गया था ये की हो ठंड लग गई इतना ज्यादा ईगो इसको कंट्रोल कर लेना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अच्छा एक कमाल है आपके अंदर मैगनेट पावर बढ़ने से आपके और ज्यादा जो रिलेशन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं तो इसमें कसूर आपका नहीं है शहद पर मक्खियाँ तो आती आती गंद पे भी आती हैं कभी कभी यहाँ जब सोच गंदी चल रही हो लेकिन शायद दो मैं थोड़ा तो कुछ भी नहीं कह रहा हैरत अंगेज नतज निकलेंगे आपने जो कुछ भी परोसा है बोया है आपने को पेपर्स दिए हैं बैंक से लोन लिया है कुछ मकान गाड़ी सेलफोन खरीदना या बेचने के लिए लगाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है आपकी सबसे बड़ी बात हेल्थ में इजाफा हो रहा है इंप्रूव हो रही है बड़ी से बड़ी बीमारी नीचे जाएगी बेखाबी का शिकार हो तो ठीक हो जाएगा भूख इस हफ्ते ज़्यादा लगने वाली है क्योंकि प्लैनेट जो मरकरी है उसके साथ कुछ बस्याम नाम के दो सितारे हैं वो इर्द गिर्द होंगे तो बे वक्त की भूख या बे वक्त का एक चिपकी सी आना वो भी आपको ये नॉर्मल रहेगा लेकिन एक बात याद रखना कि मुल्क से बाहर जाना करियर को बनाना अगर आप ये सोच रहे हो तो सोचो मत इम्प्लीमेंट होना बड़ी चीज़ों का बड़ा ज़रूरी होता है टाइम पे तो ये वो टाइम है जिसमें आप वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हो पेपर लेकिन कच्चा काम ना करना यहाँ पे दो चीज़ें हैं मुमदाब एक आ, सितारा होता है जो आपने निशाना लिया और चूक गया वो अलर्ट मोड पे है ट्वेंटी फोर परसेंट है उसका मतलब ये होता है कि टाइम बड़ा अच्छा है वीज़ा लग जाएगा ये मतलब नहीं है कि आप कच्चे कागज़ डाल दो बैंक स्टेटमेंट नहीं है टैक्स रिटर्न नहीं कुछ भी नहीं है हमें नहीं डाल देना रिफ्यूज़ होता है जिन चीज़ों पे वीज़ा लगता है उन कील कांटों को दुरुस्त करने के बाद 110 परसेंट अच्छे रिजल्ट देख सकोगे वो हमारी बहनें जो औलाद नरीना के लिए तरस रही हैं ये बेटियों के लिए तरस रही हैं कंसीव करेंगे इस पूरे हफ्ते में ये है एक बड़ी खुशखबरी और आपके लिए गुलदस्ता सा बन जाएगा वो गैर शादीशुदा लोग जो इंतज़ार में हैं कि कोई पिया या पी आपके घर में आ जाए तो उनकी मम्मियाँ आपको देखने के लिए आ रही हैं या आपकी मम्मी किसी को देखने के लिए जा रही हैं सख्ते बनते हम शादी के लिए देख रहे हैं हमें और भी लड़कियां कुछ माए तो ऐसी होती हैं लड़कों की माए जिनको उस शहर की हर बेकरी के बिस्किट और समोसों का पता होता है समोसे का बाइट लेते अख्तर समोसे लेना बुंदा पुछे तो अनुखी बदल क्योंकि वो वीकेंड पे अपनी बेटियों को लेके उनका वो होता है कि जुम्मा हफ्ता इतवार तीन दिन आओ लड़कियां देखने चलते हैं खाना चाय तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अपने वो स्त्री के मुंह वाले डषकरे को गुड़िया जैसी लड़की ढूंढने निकलती है हमें तो बहू चाहिए दू तो जैसा रंग हो गुड़िया जैसी हो तुझे पढ़ाते हो पटीचर तक लाओ उससे नो अच्छी लगेगी कि नहीं माँ जी तो उन माँ जी ने तो समोसे चाहिए ने अख्तर समोसे ले दे तो आपको जो दिल करता है आप वो करो स्ट्रेस लेवल नीचे आने की वजह आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली परवरदगार की तरफ से मरकरी में तब्दीली जब आती है विरासत के मामला हल हो रहे हैं अगर आप किसी और के साथ आ, रिलेशन में हो तो उस में कोई मुदाखलत होता क्या है आप किसी के साथ रिलेशन में हो उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक है और आपकी एडवाइस से वो रिलेशन ख़राब हो सकता है मतलब आप दोनों तो का तो उनका तो आपको ही देखना है बहुत बड़े पैमाने पे, पे कर्ज मत उठा लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो कोई चीज़ें अगर ख़रीदना या बेचना चाहो तो आपके लिए बहुत बेहतर है औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर यानी उनके स्कूल का एडमिशन उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट और आपके काम काज जो रुके हों उनका अच्छा हो जाना बहुत बेहतर इस पूरे हफ्ते में जितने भी जुड़े हुए हैं जोज़ा के साथ उन लोगों के लिए मोहब्बत का तूफान ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मोहब्बत का, का, मतलब का तो परवरदिगार की तरफ से एक टर्निंग है जो स्टार पे बहुत बड़े पैमाने पर टर्न होते हैं ना सितारे तो आपके बीच में एक चेंज आना शुरू होता है ये वही चेंज है जिसका आपको अभी अंदाजा हो जाएगा ठीक है और फिर आप खड़े रहेंगे किसी जगह और पुकारते रहेंगे ये क्योंकि लम्हा होता है डेंजर जोन का वट इज़ डेंजर जोन कि आप किसी को खुद इख्तियार देते हो कि लो मार दो मुझे और उसने निशाना लिया और वो चूक गया और आपने कहा कमाल करते हो एक मौका दिया था तुम्हें अब आप रीमैरी करते हो आप दोबारा उसको एक और मौका देते हो और आप कहते हो पहले बंदूक दी थी निशाना सही नहीं लिया अहमक अब सही से लेना तो इसका मतलब आप अपनी खुद बजा रहे हो एहतियात करना तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो जेवना वालों के लिए यहां पे चल रहे हैं लव परसेंटेज वाओ 56 बहुत अच्छा है एंगर 32 गुस्सा बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप 72 टू परसेंट है मनी फिफ्टी थ्री हेल्थ एटी नाइन स्परिशालिटी 20 परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन 59 परसेंट और लक आपका साथ देने वाली 54 फोर परसेंट माशा से बहुत अच्छा है और जब वालों तैयार हो जाओ ये तस्बियाँ पढ़ने के लिए या खालिक या सलाम हंड्रेड दानों वाली जो तस्वीर होती वो आपने पढ़नी है और शुगर सद के में हसब तो जितनी चाहो दे सकते हो चौदह रोटियाँ दे सकते हो खीर दे सकते हो कैश दे सकते हो आ, कलर है ऑरेंज, रॉयल ब्लू डीप पिंक ये कलर पहनोगे तो बहुत फ़ायदा होगा ये कलर ऑफ द वीक है एंड गुड लक करते हैं हमारे प्यार जैम नाइको और वेलकम करते हैं सरतान जो सरतान के चलने वाले हैं ठीक है जी और थैंक यू जितने भी लोग इस वक्त आए हैं थम्स अप कर दीजिए लाइक को हिट कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कहना वो अजीब लग रहा होता है ऐसा लग रहा है ढंडोरा पीट रहे हैं कि लाइक को हिट कर दें लेकिन हमारी कॉम ऐसी है कि जिनको जगाना पड़ता है जो भूल जाते हैं वो शो शुरू शु, शु, एम हम कहते हैं लाइक को दबा दो अच्छा लाइक दबाने से को हमारे बैंक अकाउंट नहीं बढ़ जाते हमें ये पता होता है कि हम अंधों के शहर में आईने नहीं बेच रहे हैं हम आपके लिए अगर ये तीन साढ़े तीन घंटे लगा रहे हैं तो बदले में दिल तो डिज़र्व करते हैं बदले में हम ये सुपर चैट या गिफ्ट तो डिजर्व करते हैं तो प्लीज गिफ्ट मारो गिफ्ट मारो मतलब सिर्फ मारो नहीं गिफ्ट मारो <laughs> टिकटॉक पे तो शेर भी मारते हैं जहाज भी मारते हैं ये तो कोई गिफ्ट भी नहीं मारता मेरे ऊपर से मैं चाहता हूँ तोहफे गिरें तो अभी देखते हैं अगर किसी ने लिख दिया गिफ्ट तो ऊपर से मेरे तोहफे आते हैं कि नहीं अगर आप चाहते हो कि मेरे ऊपर तोहफे गिरें और आप भी देखना चाहते हो मैं डब्बों के नीचे आता हूँ कि नहीं तो प्लीज डू सुपुरचैट और सलामत रही आप लोग थोड़ा मुस्कुरा लिया करो फेस वैल्यू बढ़ती है हाँ हर वक्त संजीदा रहने से उम्र भी ज्यादा लगती है और बुरे भी लगते हो की ठीक है लेकिन एक डिग्निटी एक स्टाइल मॉनलीजा को देखा है बड़ी बड़ी बच्चा कल लेकिन कभी <laughs> किसी जमाने में वो आइकन ब्यूटी का समझी जाती उसकी मुस्कुराहट को कभी गौर से देखो साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं टाइप की मुस्कुराहट है और उसकी पेंटिंग्स कितनी महंगी बिकी इसलिए वो वाली दबी सी एक आठ, ये रखना बहुत जरूरी है मैं विश बट ये गिफ्ट ने ये तुझे मैंने डब्बा दे रहे हो है अद माला समझा कुछ साथ वाली लड़की को ओके जी लेकर चल रहे हैं आप लोगों को सरतान वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है देख लो अब मैं तेरे ख्याल से आगे निकल गई यू इश्क के वबाल से आगे निकल गई वो इंतहाय जबर पर जमकर खड़ा रहा वो इंतहाय जबर पर जमकर खड़ा रहा मैं सब्र के कमाल से आगे निकल गई हिजर की कशिश मैं तेरी सिमत गई, ख्वाहिश विशाल से आगे निकल गई शायद उसे ये जख्म था रुक जाऊंगी मगर मैं पुरवकार चाल से आगे निकल गई उमरे रवा के साथ चला वक्त कैसी चाल ये मेरे खदो खाल से आगे निकल गई मरहम उठा के चारा गरो जाओ तुमको मैं जख्मों के अंधमाल से आगे निकल गई डाली धमाल चारों अनासर ने मेरे साथ और बात फिर धमाल से आगे निकल गई तेरी गली के वास्ते बस्ती ही छोड़ दी इस राह पुल मलाल से आगे निकल गई तकदीर अपनी मैंने तबस्म जो खुद लिखी हर जायचे से फाल से आगे निकल गई जब आप अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखने की कोशिश करते हो तो फिर फालों की जरूरत नहीं रहते जायचों की जरूरत नहीं रहती खुशकिस्मत होता हैं हम लोग जिन पे रब का हाथ होता है। और बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनपे सब का हाथ होता है रब का हाथ नहीं होता तो इस वक्त वालों लकी हो जो के रब ने खास रहमत के दरवाजे आप लोगों पे खोल दिए हैं सो so, आप लोग इस हफ्ते ज्यादा दूसरे से मतलब बाकी अलेवन जोड़ी साइन को अगर हम देखें तो टॉपर लिस्ट पे आप लोग दिखाई दे रहे हो समझदार हो आ, इसी वजह से कुछ फैसले इस हफ्ते आपको समझदारी के करने पड़ेंगे कुछ लोगों के साथ मिलके प्लान हो सकता है आपका शराकतदारी का ज्वाइंट वेंचर का काम में आप पैसा लगाओ लेकिन हिसाब लगवा लेना वरना फ्यूचर में उन्हीं रिश्तों के साथ तनाव भी दिखाई देगा अगर आपने बिना मैच किए कुछ ना कुछ कर लिया टर्स एक सितारा है उसके इर्द गिर्द तीन बड़े स्टार्स जो बैठे हुए हैं वही सेम सरतान वालों आपके साथ भी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को अच्छा ये रिलेशनशिप जो चल रही है मियाँ बीवी हैं महबूब है वो है बट ये रिलेशनशिप न्यू है न्यू रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म रिलेशन अच्छा इसमें रिलेशनशिप में आप इसको जॉब के हवाले से भी दोस्ती के हवाले से भी यबन के टीटे के हवाले से भी किसी भी हवाले से डाल सकते हो बिकॉज स्टार्स का एक बहुत तेजी से आने जाने वाला है अमल जो इन रिलेशन को बड़ा शॉर्ट टर्म आपके सामने लाएगा कुछ सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं आप लोगों को जाहिर है अब आप एजुकेशन के हवाले से अगर अपने आप को देख लो तो आपके सब्जेक्ट चेंज करना है आपको मुल्क से बाहर जाना है आपको स्कॉलरशिप लेनी है आपने कुछ मंसूबे बनाए बड़े स्पाइसी से उनमें आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए आसानी दिखाई दे रही है लेकिन इस वक्त आप लोगों को एक चीज का इस्तेमाल करना है वही ब्रेन कि आपने अगर जॉब आप छोड़नी है तो सामने क्या है आपको खुद का बॉस बनना है अपना बिजनेस शुरू करना है तब आप ये काम कर सकते हो जॉइंट वेंचर में मैंने कहा कि अच्छा अगर कोई साथ है तब आप ये काम कर सकते हो मुल्क से बाहर जाने वालों के लिए बहुत सारे सरतान वाले हैं जो जिस जगह हैं जिस मुल्क में हैं वहाँ उनके जय जयकार होने वाली है आपकी शोहरत के दरवाजे खुल रहे हैं इस हफ्ते आप लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा कि जो अमल कर जाएगा और आपको बड़ा बूस्ट करेगा लेकिन वो लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों के कुछ दोस्त साथी मदद करेंगे आप लोगों को जितना जल्दी हो पेपर वर्क करके डेट लेनी चाहिए आजकल एम्बेसीज़ में भी ये होता है ना कि आपको डेट लेनी पड़ती है कुछ एम्बेसीज़ में एजेंट्स होते हैं जो पैसे दे डेट खरीदते हैं लाख रुपये पचास हज़ार अस्सी क्योंकि जल्दी की डेट मिल नहीं रही होती और दूसरे मुल्कों में जैसे यूके ने अभी वीज़ा बैन किया है यू के वीजाज बैन हैं कुछ कैटेगरीज के ओपन कर देते हैं और फिर जुगाड़ चलता है सो जुगाड़ वाला काम यह नहीं है आपकी जो बसरत अंगेज गुफ्तु है उसी के जरिए आप दूसरों के दिमागों को कंट्रोल करोगे इसीलिए एजुकेशन के हवाले से और काम और लव के हवाले से आपको ये देखना है थोड़ी सी वाबस्तगी जिन लोगों के साथ है उनमें नाराजगी दिखाई दे रही है आए, खाए, ये क्या है ये तो बहुत बुरा <laughs> तो ये नाराजगी ठीक नहीं है ना और आ, आप लोगों को देखो एक चीज़ है हम हम नहीं चाहते कि बहुत सारे रिलेशन जो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं वो आपसे नाराज हों और वो आप गोल्डन जो आ, होता है ना रिएक्शन एक इंसान के साथ आप रह रहे हो और वो 24 घंटे से ज़्यादा एक ही घर में वापस देगी भले ही आप आमने सामने नहीं है लेकिन आप रहते हैं कुछ आवर्स के लिए भी रहते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आती ज़रूर है सो आपका जो अपोजिट जेंडर है वो बीवी है मियाँ है वो जीएफ एफ है बी एफ है वो बच्चा है बच्ची है उसकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको मिस नहीं करना है वरना बहुत सारे काम डिले में चले जाएंगे जादू के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तीन बार हैं आ, मंगल जुमेरात और इतवार ये तीन दिन हैं जिसमें आप पे बड़ी आसानी से मैजिक हो सकता है और आपका जो रास्ता है वो बड़ा आसान है लेकिन लोग उसको मुश्किल बना देंगे मुकदमात में विनिंग पोजीशन दिखाई दे रही है लैंड एंड प्रॉपर्टी सेल एंड बाय के हवाले से आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं फूड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है लाइक ड्राई फ्रूट लिक्विड थिंग्स इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मुरन चीज़ों से दूर रहना है और आप लोगों के लिए जो जो ख़ास हैं फल वल वो आपने उनका इस्तेमाल करना है वरना आप लोगों की हेल्थ पे थोड़े से जैसे सीने की बहुत ठक ठक खांसी रेशा इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं और एक चीज़ का आ, आपको हम ये बता दें कि रूहानियत जितने भी लोग हैं जो इसमें वज़ाइफ कर रहे हैं उनको स्टेज टू मिलेगा यानी एक स्टेप आगे जाओगे आपको ख्वाबों के जरिए कुछ अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिलेगी कुछ हकीकत में लोग आपकी रहनुमाई करेंगे जिनके हम कनेक्टेड हैं वो लोग ख़ुद आपके हिस्से की चूरी आपके मुँह में ला डाल देंगे घर की तब्दीली अच्छी है मतलब अगर आप चाहते हो कि घर तब्दील हो जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर तब्दीली दिखाई दे रही है जिसका होना बड़ा ज़रूरी है तो केंसेरियन आप लोग बहुत प्यारे लोग होते हो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार से यह बताएं कि प्यार यानी लव 49 परसेंट है बहुत ज्यादा है एंगर है 38 परसेंट और रिलेशनशिप है 79 मनी 52 हेल्थ 85 परसेंट रोहानी है उन्नीस स्टडी एंड एजुकेशन फिफ्टी थ्री परसेंट और लक आपका साथ दे रही है फिफ्टी परसेंट ये बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए और या जब बारो ये आपको पढ़ना है या गफ्फार और दूसरी तस्बी है ये आपको पढ़नी है सदके में आप दूध खुला आ, दे सकते हो या पैकेट वाला चार लोगों को खाना खिला सकते हो और वो आप दाल मसूर अनकु हालत में दे सकते हो इन मनी दे सकते हो वाइट येलो सी ग्रीन ये तीन कलर हैं पहनोगे के तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ये रही स्क्रीन पे चीज़ें तो अभी हम अगला स्टार नहीं बताएंगे उसकी वजह ये कि एक और स्टार हमारे साथ मौजूद है और वह हैं सिमी मैम अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद यहाँ मौजूद है यस मैम हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल हैं आप सब के ठीक ठाक है हेलो ने आपके लिए तालियां बजाई मजे में वन फिट दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे खुश रहें सलामत रहें आबाद रहें सबसे पहले जी थैंक यू सो मच आप सबका जजाक अल्लाह जो आप लोग इतनी दुआएं मेरे लिए लिख रहे हैं इतना प्यार भेज रहे हैं गेट वेल सून कह रहे हैं तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे सलामत रखे और हाँ जी तबीयत हो जाती है खराब कोई नहीं हम शैतान तो है नहीं जिनको कोई बीमारी परेशानी ना आए और मैं बड़े हंस के झेलती हूँ जी हर चीज को जैसे अभी दो दिन पहले की बात है कि अचानक सोते में जो है वो आपको पता है क्रैम्प वगैरह पड़ जाते हैं और मेरे घुटने के साथ कुछ ऐसा ही मसला हुआ और उसके बाद से ना मैं करवट ले सक रही हूँ ना मैं मेरा जो नी है वो बेंट हो रहा है बेंट हो रहा है ना सीधा हो रहा है ना खड़ी हो पा रही और बड़ी तकलीफ में रही पूरी रात मतलब रोती रही वो वाला हाल था और नेक्स्ट डे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने बिल्कुल भी बेड से नीचे नहीं उतारना चलना फिरना नहीं है और उसके बाद लगाने खाने की दवाइयाँ सब कुछ अलग अलग मिला और ये भी कहा कि आपने रेस्ट करनी है आ, लेकिन ना एक दिन तो गुजरा आज मैंने कहा हजर खुदा के लिए सबसे पहले तो यहाँ से ना रेड कलर का एक सूट निकाल के मुझे दो जो मैंने ब्लैक पहना है ना इसको मुझे सबसे पहले उतारना है क्योंकि ये मुझे और मायूस और परेशान और घबरा रहा है तो सबसे पहले वो करो और फिर उसके बाद जो है बेशक डॉक्टर ने मना किया मैं फिर भी उठी उठ के मैं अच्छा सा तैयार हुई अच्छा सा मैंने मेकअप किया और फिर मुझे हज़र कहते मेरी बात सुनो ये शक्ल से कहा लग रहा है कि तुम हो मैंने कहा मैं लगना भी नहीं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ मैं जब इस दुनिया से भी जाऊँ ना मैं मुस्कुराते, कोई रोते वो हंसते हंसते दुनिया में रहे भी, भी, भी तो जी कुछ ऐसा ही मामला है तो आप मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा पेन बहुत शदीद है बहुत ज्यादा स्वेल भी कर रहा है मेरा नी घुटना आ, तो लेकिन कोई बात नहीं वह गुजर जाएगा ठीक हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा और मैंने हमेशा अल्लाह पे यकीन अंदा अतमाद रखा है कि हर हर वक्त गुजर जाता है कितना भी मुश्किल हो कितनी भी परेशानी हो गुजर जाती है तो बस आप सब दुआएं करते रहें प्यार भेजते रहें जैसे आप हमेशा भेजते हैं तो सब अच्छा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जी और अच्छा यहाँ किसी ने जो है वो अभी लिखा था कि बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा एक शो में बताया था तो आप उसी शो को रिपीट देखा करें ना वो शो यहीं पड़े हुए हैं सर के जो वीकली होरोस्कोप है उसमें मैं बताती हूँ आप वो वाले देखें वहां भी है और उसके अलावा मैंने अपना टिकटॉक है सीमी हैदर राजा अब उस पर पिन भी कर दिया है आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें शेयर करें आगे ताकि और लोगों की जिंदगी में आसानियां आए और उसके अलावा मैंने जो इंस्टाग्राम है उसके मेन पेज पे भी डाल दिया आप वहां भी देख सकते हैं और लेकिन अगर फिर भी आप मुझसे पूछेंगे मैं दस दफा आके आपको बताऊंगी और जरूर बताऊंगी और अभी जो तख्त की बात हो रही थी और सारी जो आपको जो कहानियां और सब वो सुना रहे थे और आप जब समझे और सोचें तो ये जो हम चीजें आप आपको वजायफ बताते हैं जो हम आपको दुआएं पढ़ने के लिए देते हैं विरध देते हैं ये वो तमाम है जो आजमूदा है जो आजमाए गए हैं ये हम किसी यूट्यूब चैनल से नहीं उठाते किसी से पूछ के नहीं, नहीं। लाते किसी को कॉपी चोरी करके आपको नहीं जो हाँ, ये है और ये आपकी जिंदगी में आसानियां करते हैं और जो लोग छह सात आठ साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना उनसे पूछे कि इन्होंने कैसे उनकी जिंदगी में अच्छी चेंजेस लाए हैं पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं इसीलिए हम आपको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि आप जो नए आने वाले हैं वो भी अपनी जिंदगी में आसानी कर लें ठीक है आ, तो ये अभी अगर आपको फिर भी समझ में अभी कोई सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया क्या नाम था उनका आ, तो उन्होंने लिखा था तो उनके लिए बता दूंगी एक खातून है जो मेरे इंस्टाग्राम पे बार बार आके शादी के लिए पूछ रही है जी मैंने का बताया हुआ है और वो भी रिपीट किया बहुत शोज में फिर ये होता है जो नए आने वाले हैं वो कहते हैं ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप पुराने शोज़ देख लें आ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ उनके लिए बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो सुरा खलास का वजीफा हर उस बच्चे बच्ची के लिए लड़के लड़की के लिए जिनकी शादी में रुकावट हो रही है अगर घर वाले नहीं मान रहे अम्मी अबू या लड़की के लड़के के आ, या बाफ़ा ऐसा होता है मंगनी के बाद रुखसती नहीं हो पाती निका हो गया और कितने साल गुजर गए रुखसती नहीं हो रही आ, कोई भी ऐसा मसला है आपकी शादी के रुकावट का तो रात को सोने से पहले बावजू होकर आपने अव्वल आखिर दरूज शरीफ पढ़ना है पांच बार पढ़ लें सात बार पढ़ लें और आपने फोर्टी वन टाइम्स शरा अखलास पढ़नी है और पढ़ के अपने अल्लाह से नबी पाक अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने अच्छे रिश्ते के लिए रिश्ते में बंदिश के लिए जल्दी शादी के लिए मनपसंद शादी के लिए आपने अल्लाह से दुआ करनी है और उसके बाद आपने बात नहीं करनी बिना बात किए दाएं करवट पे सीधे हाथ जो होता है आपका उस तरफ आपने करवट लेके चुप करके सो जाना है उसके बाद आपने बात नहीं करनी ठीक है और ये फोर्टी वन डेज़ का है अगर जो है आपके नागे के दिन आ जाते हैं तो जहाँ तक आप रुकी हैं उसके बाद उनको बाद में काउंट कर लें और उसको पूरा कर लें हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चंद दिनों में भी ख्वाहिशात और मुरादें जो हैं पूरी हुई हैं उनका जिंद होना बड़ा ज़रूरी है और प्लीज़ एक बात और कहूँगी आप कोई वजीफा करते हैं कोई अमल करते हैं कोई दुआ करते हैं दो चीज़ों पे बिलीव रखा करें या तो आपका वक्त नहीं है या अल्लाह ताला वो चीज़ आपको अभी नहीं देना चाहता या बिल्कुल ही नहीं देना चाहता हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो जाए और बाद में वही इंसान वही चीज़ आपकी जिंदगी को जहन्नम बना सकती है कभी कभी क्या अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम बहुत रोते धोते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए और वो दुआ कबूल नहीं होती और एक वक्त ऐसा है, आता है कि हम कहते हैं अल्लाह शुक्र है कि उस वक्त तूने ये हमारी दुआ कबूल नहीं की तो उसे बेहतर पता होता है तो इसलिए इन दो चीजों पे जरूर बिलीव रखा करें और अगर वजीफे के बाद कुछ दिन बाद आप दोबारा भी शुरू कर सकते हैं ये वाला भी आप कर सकते हैं आपकी जबान एक वृद्धि कर रही है ना तो कोई बुरा नहीं होता ठीक है तो बाकी नेक्स्ट मैं वक्फे में आऊंगी और बाकी बातें करूंगी करूँगी जो आप इंतजार कर रहे हैं चले आपको एक बोनस दे देती हूँ के लिए अभी हफ्ता चल रहा है तो इसमें अगर आप अपने घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं पैसे उस पर लगाना चाहते हैं घर की चीजों पर लगाएं उसके अलावा आपके रिलेशन बड़े अच्छे होने वाले हैं जी और वो जो कोई छोड़ के जा चुका है तो उसको जाने दो और उसको अब रोना बंद करो और जो नया आ रहा है कोई उसको वेलकम करो और उसको अपनी जिंदगी में आने दो

तो इनशाला इनशाला आने वाले दिनों में आपकी सुलह सफाई के चांसेस भी बढ़ रही है तो नेक्स्ट <laughs> डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बेड से नहीं उठना फिर भी मैं उधर से लंगड़ाती लंगड़ाती आराम आराम से आई हूँ राजा इधर आप ना है ना शुक्र ठीक है तो चलो जी मैं जाती हूँ वापस अपने बेड पे और थोड़ी देर बाद ओके जी थैंक यू थैंक यू अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और आप आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है असद ले वाले उन लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजरने वाली है यह हम अभी बताते हैं और चलो लेकर चलते हैं पहले सरजमीन मोहब्बत की गुफ्तु <coughs> जो लोग नए हमें ज्वाइन किए हैं या जो लोग नहीं समझते हैं कि शायरी पोइट्री क्यों होती है? शायरी इसलिए होती है कि इसमें छुपे हुए वो अल्फाज जो आपके साथ इस हफ्ते में होने वाले वो हम चुन के लाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी आ, कदम रखने के लिए हम बुलाते हैं थैंक यू थैंक यू इतनी तालियां ना बजाओ जो बजाना है वो बजाओ उड़ान पहली जब हरी गगन से इश्क हो गया गगन ये सर करूं फिर उस लगन से इश्क हो गया हुआ माल पे ये आशिया की खुशनुमाई का कि बिजलियों को मेरे ही चमन से इश्क हो गया मालो जर छोड़ के बस एक गोहर बांध लिया याद को तेरी फकत ज्यादे सफर बांध लिया यूं तो हम पर थी आया इश्क की आशुफ सरी अपने दामन से खराबी को मगर बांध लिया पहले बांधा ये इरादा के गगन छूड़ू फिर शौके परवाज़ में टूटा हुआ पर बांध लिया बात पहली सी मुलाकात मुकर्र मिन थी बात पहली सी मुलाकात मुकर्र मिन थी काफिया जैसे कोई बारो गिरा बांध लिया आखिरी बार जुदा होने को मिलना है मगर इस मुलाकात ने दोनों को अगर बांध लिया कार्य दुनिया ने सदा दी थी में हमें कार्य वैशत ने मगर हमको इधर बांध दिया मिल गया अजन सुखन शाह के दर से हमको कुवते बाल तखयल को मगर बांध लिया किसी न किसी के दर से जब सदाएं आती हैंज आता है तजलियां आती हैं तो मन को करार मिलता है असद वालों आपका ताना बाना जो बुना होता है वो उसकी रजा उसकी इख्तियार और उसकी चाहत की वजह से वरना आप जानते हो छींकाने से भी लोग मर जाया करते हैं लेकिन तूफान भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए इसका मतलब है कि खास लोगों में आपका शुमार होता है जो लोग सदियों में फासले तय करते हैं आप दिनों में करते हो असद वालों के लिए क्योंकि आने वाले साल में बड़ी खुशियां रखी हैं परवरदिगार ने इसलिए यह हफ्ता जुड़ गया 2024 के साल आप लोगों के लिए दिसंबर का यह हफ्ता बहुत सारे तनाव को खत्म करेगा फाइनेंस के जो भी स्टेजेस हैं उसमें आपको मोर स्टेबल करेगा अब ये आपके कंट्रोल में है कि आपको बहुत कमाना है तो आपको हार्ड वर्क चाहिए आपको अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए कमाना है तो फिर आपका जो चल रहा है वो उसी तरह चलेगा लेकिन ये बात मतलब जो पीछे अगर हम दो महीने पीछे की बात करें तो वैसा नहीं है ये बहुत बेहतर है तो इस हफ्ते में आप लोग अगर खुद की कोई जॉब छोड़ के कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हो या किसी की अगर जॉब भी कर रहे हो तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से तो इसमें तरक्की दिखाई दे रही है आपके रिहाइश की तब्दीली दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी सेल एंड बाय या फिर किराए का मकान चेंज करना ये सब भी शुरुआत दिखाई दे रही है शहर का बदलना मुल्क का बदलना वीज़ा इमिग्रेशन का हो जाना ये सफ़ते का बहुत अहम हिस्सा है जो आपको असद वालों बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें घर शहर मुल्क तीनों चीज़ें आती हैं अगर आप किसी एक ख़ास मकाम पे जाने के लिए यानी कोई मज़हबी रस्म अदा करने की कोशिश करना चाह रहे हो सोच रहे हो कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो उसके मौके भी आपको मिल जाएंगे वो हमारी बहनें और भाई जिनको अभी तक कोई रिश्ता रास नहीं आया यानी मंगनी होती टूट जाती रिश्ता होता है, बात नहीं बनती उन लोगों के रिश्ते हो जाएंगे फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली परसेंटेज सिक्सटी रहने वाला और ये बहुत बड़ा नंबर होता है कि जिसमें आपकी ये परसेंटेज बन रही होती है तो हम आपको कहते हैं जी मुबारक हो आपका काम बिल्कुल शुरू हो गया और बेऔलाद लोगों के लिए हफ्ते में बुध गुरुवार जुमा और फिर इतवार ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो डाइट प्लान के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ खास इस्तेमाल करना होगा बहुत ज्यादा चीज वाली चीजें चीज पनीर वाली चीजें बहुत ज्यादा निशास्ता बहुत ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा आटे का इस्तेमाल आपकी सेहत को इस हफ्ते थोड़ा सा डगमगा सकता है अब आपको ओ चीज़ें लेनी हैं जो आपका पेट भी जिससे भर जाए सैलड्स हैं फ्रूट्स हैं सूप्स हैं इस तरह की चीज़ें जिससे पेट भी भर जाए और एनर्जी भी मिले मैकनेट पावर आप में चमकना शुरू हो रही है आप दूसरों को खींच सकते हैं जॉब में हो किसी मीडिया सोशल मीडिया में हो या किसी भी फील्ड में हो आप जहाँ ज़बान खोलोगे वहाँ आपके मुद्दा निकल आएंगे और फ़ैन फॉलोइंग चाहने वाले अच्छा हर बंदा तो जो घरेलू औरतें हैं या मर्द हैं या बुज़ुर्ग हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग से तो ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन जाहिर है ये उन लोगों के लिए है जो कहीं भी किसी मजालस में महफिलों में बैठते उठते हैं जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनकी खुशखबरियाँ उनके मुल्क से अलग होने उनके अलग घर की तरफ शुरुआत और उनके लिए पैसे का बढ़ जाना ये ख़ास तौर पर जो मैरिड हैं उनके लिए ये शुरू हुआ है और जो नए नए शादी शुदा हैं उनके शादी शुदे हैं शो मार रहे होते हैं ना शादी से शादी होगी देखिए कितनी खूबसूरत है दुल्हन कभी कभी मियाँ भी खूबसूरत होते हैं दुल्हन नहीं भी होती तो वो फिर देखना होता है कि बंदा किस नोत की शादी कर रहा है अच्छा मोहब्बत की शादियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वीक में कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ैमिली नहीं मानेगी उनकी फ़ैमिली नहीं मानेगी तो इस हफ्ते में अगर आप बातचीत करोगे बढ़ाओगे तो फैमिलियाँ भी मान जाएंगी और आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे ली मैदान में आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर रहे हो नतीजे अच्छे आएंगे स्कॉलरशिप मिलेगी जहाँ शहरत और शादी की बात होती है वहाँ पर भी आप दूसरों से ज़्यादा बेस्ट जगह पर आएंगे मसाइल ख़त्म हो रहे हैं जो फैमिली में एक, एक टेंशन चल रही होती है कर्ज लेन देन के मामला बहुत बेहतर रहने वाले हैं लेकिन लिमिटेड एडिशन के साथ है। ये बहुत अनलिमिटेड आप नहीं ले सकते हो बहुत लेना है बाद में हम दे देंगे आपके लिए गलत फहमिया और गलत फ़ैसले बड़े मसाइल पैदा कर देंगे मैदे की तक भी हो सकती है ज़ाहिर ओवर ईटिंग या किसी ऐसी चीज़ की वजह से जिसमें बदहजमी हो सकती है सो आपको इस हफ्ते खास तौर पर जुमेरात और हफ्ते वाले दिन आपको बहुत एहतियात करनी होगी सरमाकारी कर सकते हो लेकिन 15 परसेंट से ऊपर मत करना कोई पुराना दो सहेली या जानने वाले आपकी मदद भी कर सकते हैं और उनसे मुलाकात भी हो सकती है अचानक ही कोई खुशखबरी आपकी आ, बुरी चीज़ों में भी बदल जाएगी वो बहस मोबाइल से वजह यानी कोई खुशखबरी हुई है किसी ने आगे कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया बहस मोबाइल सा हुआ और वो सारा मज़ा ख़राब हो गया ख़ासतौर तो पर बर्थडे पार्टी शादी मंगनी इन इन चीज़ों में आपको बहस मोबाइल से दूर रहना होगा वरना मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो यह हफ्ता असद वालों के लिए बहुत ही बेस्ट वाला हफ्ता है और इसमें आप लोगों के लिए परसेंटेज कितनी रहने वाली है दिखाते हैं फिफ्टी फोर परसेंट है सो बहुत ज्यादा है एंगर थर्टी थ्री परसेंट है आप लोगों का आप लोगों के लिए रिलेशनशिप एटी टू परसेंट जाने वाला है और मनी जो है फोर्टी नाइन परसेंट है हेल्थ एटी टू परसेंट जाने वाली है और बहुत अच्छी है हेल्थ थोड़ा सा फोकस करना होगा स्परेशलिटी रूहानियत तेईस परसेंट तक आपकी बेहतर है और इस तरह आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन 59 नाइन सो यू लक आपका साथ दे रही है 54 परसेंट जो बहुत बड़ा नंबर होता है तो असद वालों आप लोगों को 100 परसेंट अगर इसको करना है तो ये राफे हो या समय हो ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं सदके में आप आटा हसब टॉफ़ीक दे सकते हो रेड किडनी बीन्स दे सकते हो स्वीट्स मिठाई चॉकलेट टॉफी कुछ भी ऐसा दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ब्लैक रेड एंड ब्लू ये आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएँ असद वालों के लिए एंड वेलकम कहते हैं प्यारे कन्या राशि वर्गो यानी के सुंबला वालों को जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है साथ आपका वो कम आमेज मुझसे हम सुखन होने लगा है बयक लहजा ये दशते चमन होने लगा है सहूलत से वो पढ़ता जा रहा है जहन मेरा सहूलत से तू तो पढ़ता जा रहा है जहन मेरा बदन सोचों का फिर बेपहरहन होने लगा है बदन सोचों का फिर बेपहरहन होने लगा है। मेरी तनहाई और वैशत में फिर से ठन गई है जो लगता है कोई घुमसा कर रन होने लगा है अता कीजिए मेरे मुर्शद मुझे कोई वजीफा मेरा दिल फिर से दुनिया में मगन होने लगा है अता कीजिए मेरे मुर्शद मुझे कोई वजीफा मेरा दिल फिर से दुनिया में मगन होने लगा है ये रूहों के मिलन की कर दे मजदूर राहें कि हायल इस मिलन में अब बदन होने लगा है पकड़ ली है जड़े उल्फत ने आखिर इस जमी की दयारे गैर अब मेरा वतन होने लगा है बिठा रखे हैं उसने मुझ पर यूं ना दीदा पहरे खुला माहौल भी मन की घुटन होने लगा है मेरे तर्जे तकल्लुम में था जो बेसाख्तापन वही मेरे सुखन का बांकपन होने लगा है वही मेरे सुखन का बांकपन होने लगा है खामोशिया जो ये सब अब आपकी जात का हिस्सा है कहीं कहीं टूटते और कहीं कहीं आंसू फूटते हुए दिखाई देते हैं मगर वो खुशी के लिए होते हैं बुर्ग वालों ये पूरा हफ्ता आप लोगों की बुनत करने वाला हफ्ता है इसमें बहुत सारी कशीदा चीजें भी आसान होना शुरू हो जाएंगी खास तौर पे अगर आपका कोई अदालत में मुकदमा चल रहा है सेपरेशन का बच्चों की कस्टडी का या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा माहौल बना हुआ है जो ऑफिस का या किसी भी जो भी अदालत में थानों में चल रहा है उसका फ़ैसला आपके हक में हो जाएगा जो बड़ी अच्छी तरतीब और सहूलत के साथ होगा आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं जो को फैमिली की तरफ से दे दी जाएंगे कोई उधार मांगेगा तो प्लीज़ उधार नहीं देना है क्योंकि उसका रिटर्न जो स्टार्स है वो दिखाई नहीं दे रहे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेहत के मामलात को बूस्ट कर रही हैं बड़ी से बड़ी बीमारी भी थर्टी फाइव परसेंट नीचे की तरफ आ रही है यानी कि वो संभल रही हैं इसलिए आपको परेशान नहीं होना शदीद किस्म के गले की खराबी और सीने की खराबी जो है वो हो सकती है वो भी मुर्गन या ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से या ठंड लग जाने की वजह से शराकत दारों के काम पर नजर रखनी पड़ेगी यानी अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो सारे का सारा उसके ऊपर मत छोड़े हर चीज़ जहाँ भी पैसे का मसला है घपले का मसला है वो आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसका मुझे भी कुछ ना कुछ आ, फैसला करना है और देखना है यहाँ पे क्योंकि खुशखबरियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं खुशखबरियाँ हैं आउट ऑफ कंट्री जाने की सफ़र होने की औलाद होने की मोहब्बत और मोहब्बत की शादी में बूस्टिंग की आपके लिए नफ़ा पहुँचने की तो ये खुशखबरियाँ जितनी भी आ रही हैं इसको अपने कंट्रोल में रखना है कंट्रोल मीन कि हर किसी से डिस्कस नहीं करना है आपकी सक्सेस किस तरह हुई आपने क्या क्या हासिल किया उन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना है जिनके यहाँ औलाद नहीं है बुद्ध और जुमे वाला दिन उनको कंसीव करने के लिए बहुत पावरफुल हम देख रहे हैं दिखाई दे रहा है अगर आप लोग गोल्ड वगैरह में क्रिप्टो करेंसी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो टाइम बाइंग के लिए चाहे सेलिंग के लिए चाहे दोनों सूरतों में जो ऑलरेडी ले चुके हैं या लेने वाले हैं उन दोनों के लिए इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के जो स्टार्स हैं वो आपकी महारत की वजह से आप मीडिया में और सोशल मीडिया में पॉलिटिक्स में हो आर्मी में हो किसी भी जगह पे काम कर रहे हो किसी भी मुल्क में किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो आपकी पांचों उंगलियां घी में होने वाली हैं क्योंकि आगे 2024 के साथ जुड़ा हुआ ये हफ्ता जो आगे तक लेकर जाएगा इसमें आपकी कीमत में इजाफा होगा वर्थ बनेगी आपकी आप अभी लो में हो अप हो जाओगे तो ये खुशकिसमती के जो सितारे हैं मरक को ऐसा बूस्ट करवाने के लिए अटैक कर रहे हैं कि आप भी आगा नहीं हो कि आप उस नशिश से जहाँ पे अभी हो बाला नशी कैसे हो जाओगे ये बहुत बेहतर है आपकी कदर मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगी जो आप स्विच करने का टाइम भी है अगर आपको कोई अच्छी ऑफर आती है तो आप आंखें बंद करके नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म देखना है कि आपको फ़ायदा किस चीज़ में है जैसे कि कोई और नया पार्टनर मिलता है तो आपको सोचना पड़ेगा किसके साथ मैच करेंगे या ना करें वो मोहब्बत के मामले में आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो रिलेशनशिप मोहब्बत में जो एक कमी थी जो एक आ, बहुत फारिग सिचुएशन नज़र आ रही थी कि आप लोगों के बीच में सप्रेशन दूरी कोई भी किसी और फरीक की वजह से हो सकती है वो यहाँ पे रिटर्न में है वो ज़ाहिर है अगर ये सिक्सटी परसेंट को क्रॉस कर रहे हैं रिलेशनशिप तो उस हकीकत को आपने एक्सेप्ट करना होगा रिश्ता करने के लिए शादी के लिए आपकी फ़ैमिलीज़ का एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत अहम वक्त है तो इसमें आपका जो सारा है हुकुमरान वो, वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा आप ओपन छोड़ देगा कि आपके पास दो दो ऑप्शंस होंगे राइट और लेफ़्ट उसमें से किसी एक को भी चुनना है ताकि आपकी ये जो खबिदा आंखें हैं ये खुल जाएं कि आपने जो भी फैसला करना है वो सही करना है तालीम के मैदान में आप बहुत आगे जाने वाले हो स्कॉलरशिप मिलने वाली है जायदाद की तकसीम डिले में जा सकती है आप लोगों को फ़ायदा होगा सेल एंड बाय करने का उसमें वो नहीं है पर्सनालिटी में निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है जितने भी हमारे प्यारे वर्ग वाले हैं तो आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी तो यह हफ़्ता उस लिहाज से तो आपके लिए बहुत अच्छा है इसीलिए लव सिक्सटी है एंगर 23 थ्री है यह नहीं होना चाहिए आपका लेकिन 23 है ठीक है बर्दाश्त करो आर के पास करो आर रिलेशनशिप एटी एट परसेंट है स्ट्रेस है, की वजह से था स्प्रिचुअलिटी ट्वेंटी स्टडी एंड एजुकेशन 54 परसेंट और यूं किस्मत आपका साथ देने वाली है फिफ्टी एट जो कि बहुत अच्छा नंबर होता है और आप लोगों को हंड्रेड परसेंट करना है तो या गनी हो या हो, ये पढ़ना है। आटा के में दे सकते हो दाल मूंग दे सकते हो खजूर दे सकते हो कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है लाइट ब्लू ब्राउन एंड ब्लैक ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं एंड गुड लक आप लोगों के लिए नाउ टाइम फॉर द लिब्रा लिब्रा वाले क्या कहने वाले हैं देखते हैं उमंगों की शफक पर छा गई आखिर को जर्दी कली मुरझा गई बादे सबा ने देर कर दी है भी एक जिंदगी ईमा था अपना जो राहे हक ने मांगी जा तो हमने बेखतर दी यहां चलना पड़ेगा आबलों के नाज उठाते किसी पे कब भला आसा हुई सहरा नवर दी खुशी है बागबा जोके चमन आराई तेरा नशे मन जिस पे अपना था वो ही डाली कतर दी खिजा से पहले ही अब के हुआ सौदा तुम्हारा चमन में पत्ते पत्ते को हवा ने ये खबर दी बिछड़ते वक्त जब उसने निभाई दुनियादारी तो हमने भी जवाबन एक दुआए बेअसर दी गुमा था मिलने वाली है सनत दीवानगी की गुमा था मिलने वाली है सनत दीवानगी की सो इश्क की तोहमत मगर दुनिया ने धर दी इश्क की तोहमत ही धरी है तो इसमें अफसोस किस चीज़ का? अभी जो कायनात बदलने वाली है, लिब्रा वालू आप लोगों की उसके बारे में सोचो कुछ अच्छा है कि नहीं है ये बात नहीं है आपके अधूरेपन को मुकम्मल किसी का फैज मिलेगा या नहीं ये है कहानी मकाफात अमल इस कायनात का परवरदिगार की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा अमल है कि जो करोगे वैसा भरोगे आपने जो इन्वेस्टमेंट गम की की है वो अब खुशियों में मिलने वाली है आपको सो मीज़ान वालों के लिए लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बाकी साइन की नस्बत बहुत स्ट्रांग होने वाला है कुछ फ़ैसले आपको टिल मिला सकते हैं यानी गलत डिसीजंस आपको बहुत पीछे भी फेंक सकते हैं इसलिए अपने ब्रेन को अलर्ट रखना ये स्टूडेंट्स के लिए भी हैं ये मीडिया सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स के लोगों के लिए भी हैं और ये उन लोगों के लिए भी हैं जो उस जगह जॉब करते हैं जहां आप चाहते हो कि आपका नाम रहे ये उन सब लोगों के लिए आपके प्लान प्लानिटैक्स के साथ जुड़े हुए दर्ज नहीं पालना है आपने बस ये याद रखना कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो सरकत दर्द होते हैं मतलब यहां मैं लफ सर इस्तेमाल कर रहा हूं हालांकि वो दर्द कहीं और देते हैं उन लोगों को सर से उतारना है। ये है आपका इम्तहान कैसे क्यों उसके लिए आप स्क्रीन पर लिखा जो है, है -मेल -कॉम लेने के लिए आ सकते हो क्योंकि आपकी जिंदगी की जहाँ बात है वहां नो कॉम्प्रोमाइज या एक बात याद रखना रिलेशनशिप में कुछ अधूरापन है आपकी वापस चलो अब ठीक है हम रह तो रहे हैं अब हमने क्या चेंज करना है ये इस तरह की ज़िंदगी को तो तब्दील नहीं करेगी खुदा ने आज तक उस कॉम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का अगर आप खुद नहीं चेंज करना चाह रहे वो नहीं बदलेगा वो उसी तरह चलोगे हम आज भी उन लोगों को जानते हैं जो एक ठेला एक दुकान पर बैठे होते थे आज बूढ़े हो गए वो वहीं पर बैठे हैं लेकिन हमने उन लोगों को भी देखा है जो ज़मीन पर संग उठाने वाले थे पत्थर उठाने वाले थे मैं एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ लिब्रा की बात कर रहे हैं जो जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो आते थे रोटी लेने के लिए खुश्क रोटी दे, दे दें जी हमें तो मैं कभी भी रोटी जो हमारे घर में बच जाती बासी वो बोरी में एक भर देते थे कि रोटी वाला आएगा हमें कुछ पैसे मिले वो पैसों के लिए नहीं करते थे वो बच्चा आता था रोटी लेने के लिए वो इसलिए आता था कि हम उससे पैसे नहीं मांगते थे और बाकी घरों में जूते भी पुराने दे के वो होता है ना कबाड़ी जो आते हैं जो जूते की ये कीमत है फ़ला तो वो उसको मैं जानता था तो मेरे फादर जो हैं वो शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने का बड़े बड़े लोग भी जो एम कर रहे हैं उनको भी ट्यूशन फ्री में दे रहे हैं और आते थे उनको उनकी हॉबी थी तो हर बंदा प्रोफेसर साहब यार इधर जाना है तो मेरे अब्बू का आज तक ही है। जब तक उनकी जान नहीं गई तब तक वो कोई भी गरीब है मजदूर है पत्थर उठाने वाला उसको आके किताबें भी लेकर दी पढ़ाया ये उनका तरीका कार रहा तो जो बच्चा था उसको कहा कि भाई तुम ये काम कर रहे हो ठीक है लेकिन तुम हमारे पास पढ़ने के लिए आया करो कितने पैसे कमा दो पचास तुम्हें सौ रुपया रोज़ काम देंगे तुमने आना है और पाँच दिन तुमने पढ़ना और दो दिन तुम बाकी ये काम भी करना है तो करो लेकिन पढ़ उसने कहा अच्छा यार ये मतलब उससे डबल पैसे मिल रहे हैं और पढ़ाई भी साथ हो रही वो मुझे याद है फिर वक्त गुजर गया हमें याद नहीं है और आ, हम इस्लामाबाद में मेरे फादर के जो प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ पर वो बच्चा थोड़ा बड़ी हालत में आया और वो पूछता पूछाता क्योंकि मैं मीडिया में था मैं टीवी में था तो मेरा पता करना बड़ा आसान था तो वो पता करते करते वहाँ ऑफिस तक आ गए उसने कहा जी आप जानते मुझे मेरे फादन कहा नहीं उस दिन मैं भी वहीं था तो बताया कि मैं वो हूँ जो उस शहर में अरे तुम इतने बड़े हो गए और ये अच्छा कमाल कर दिया यार तुमने अच्छा अब ये वो वाला वक्त है कि जिसमें वो पढ़ लिख के आए और एक अच्छी सी जॉब कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में और वो जो ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ लेकिन ठीक है अच्छी जॉब है मतलब वो जो रोटियां उठा उठा के और चप्पल वृद्धि की बेच रहा था स्टॉक मार्केट में जॉब कर रहा था और वो फिर अचानक ही उसका कोई वीज़े वीजे का चक्कर था उसने मेरे फादर से फॉर्म वॉम भरवाए कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर यूरोप देखूं तो मेरे फादर ने ही पूरे का पूरा हर चीज़ भर के अब्बू ने उसकी भरी और उसका वीजा हो गया वो लक की भी बड़ी बात होती है वो उसका वीज़ा हो गया वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और इस बात को काफी टाइम गुजर गया फिर वो जब वो वहां पे सेटल हुआ इस वक्त वो बंदा वो एक प्राइवेट जो आईटी हाउस होते हैं जो आईटी की कंपनियां है उसको ऑन करता है और हंड्रेड एंड फिफ्टी लोग उसके अंडर में काम करते हैं पूरी दुनिया में इंडिया में भी है, पाकिस्तान में और ये बॉस है सिडनी में रहता है लाइफ एक क्लिक एक हुक चाहिए होता है अगर आपके अंदर आग नहीं है ना वो लिब्रा है इसलिए मुझे वो हमेशा याद रहता है कि परवर दिगा लाइफ में ये स्टेज भी देते हैं तो आप वसीला बनते हो वो लिब्रा आप तो हो वसीला आपके अंदर ईगो कहां से आ गई आपके अंदर एंगर कहां से आ गया आपको तो लोग सोच ही नहीं सकते कि आपके अंदर वो आग होगी कि आप किसी की मदद नहीं करोगे डेफिनेटली गुस्सा होता है अच्छी जो स्टार्स हैं वो आपके इर्द गिर्द होते हैं बट आप तो बड़े पॉजिटिव हो या कुछ हफ्तों से जो एरर आ रहे हैं वो जिद वजह से देखो नाम का ऊपर होना बड़ी बात नहीं शैतान से ज्यादा मशहूर नहीं हूं <laughs> पूरी का हर बंदा शैतान सब उस मलून को जानते हैं तो नाम रहे अल्लाह का आप जितना भी ऊपर चले जाओगे कितना कुछ ऊपर जाओगे मतलब मैं ये हमेशा कह रहा होता हूं पैसा नाम ये बोल अब आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके साथ अटैच होने की उसके लिए बैकअप ढूंढो जो भी आपके मुर्शिदा आपको वजीफा दे रहे हैं कुछ भी पढ़ने के लिए दे रहे हैं वो जरूर पढ़ो क्योंकि इस वक्त जो ना सूरत हाल है ना ये बर्बादी सिर्फ ये नहीं होती कि हादसा हो गया और बंदा अपाह हो गया खुदा न खास्ता आपके दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना हो लेकिन यहां पर जब डैमेज होने वाली चीजें आती हैं तो उसमें बदनामी अधूरापन दिमाग का चले जाना स्ट्रेस का हाई होना ये वो वाली चीजें हैं तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि दुश्मन मत बनाओ दोस्त बना के रखो कम तादाद में होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा फायदा रहने वाला क्योंकि ये हफ्ता आपको 2024 में इतना कुछ पे करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मजहबी रसूमात अदा करने के लिए होली श्राइन्स जियारात उम्र कुछ भी करने के लिए जाओ तो ये टाइम आपके रूह को सुकून देगा और ये टाइम बहुत अच्छा बड़ी आसानी से यह हो जाएगा मकान घर तब्दील करना चाहो ख़रीदो फरोख्त करना चाहो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पे आपको फ़ायदा हो सकता है आ, ये पूरे का पूरा जहन में आपके जो पैसा बसा है या नाम और फेम बड़ा बसा है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए आपको साइड पर रखना है बिकॉज़ एक अच्छा रिलेशन देखो मिया बीबी के रिलेशन में इस वक्त एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको खाब के जरिए इस हफ्ते अल्लाह ताला की तरफ से भी पता चल जाएगा कौन है क्या कर रहा है वो तो पता चल ही जाते हैं जब ये वजीफे आप पढ़ोगे तो लेकिन ये याद रखना कि आपको एक साथ जो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो उसकी अब जरूरत है जिनकी शादियां नहीं हुई जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन सबको अब फैसले कर रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा खुद कर होना है लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा ना हो कि सामने से दुश्मन बनाने की सूरत में आए माली तौर पे आप स्ट्रांग हो जाओगे अंदर से ताकत आ रही है स्ट्रेस लेवल नीचे जा रहा है नए मौके आपको मिलेंगे गुफ्त शुनीत करते हुए बहुत एहतियात करनी है आपके लफ्ज़ को पकड़ के कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे और बहुत जो डीपर देखो एक बंदा होता है जो कुछ गलत करता है गुनाह करता उसको सक्सेस मिल जाता है वो कामयाब हो जाता है चोर है डाकू है फिजिकल किसी के साथ हो कुछ भी है उसको कामयाबी होती और पकड़ा नहीं जाता सो अब वो उसका पहला और आखिरी गुना नहीं था अब वो आदी हो जाएगा अब जब वो दूसरी बार करेगा तो फिर भी कुछ नहीं हुआ अब जब वो बार बार करेगा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो अल्लाह ने तो कहा है कि गलत काम है तो पनिशमेंट मिलेगी आपको पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही बिकॉज उसने हाथ हटा लिया एक बुजुर्ग ने यह जुमला मेरे दिमाग में ऐसा डाला कि जब गुनाह करने के बावजूद तुम्हें सजा ना मिले तो समझ लो वो नाराज हो गया अब वो ऐसी जगह पकड़ के पड़काएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो तो गुनाह नकीर जो सबसे छोटा गुना जो किया और फौरन सजा मिल गई दुआ किया करो उस पर राजी हो जाए वो गुनाह ताखीर और तदबीर पर जाओगे तो अंजाम बड़ा बुरा होगा ये दबे लफ्जों में आपको इशारा मैंने किया आप समझ जाओगे आप अच्छे बच्चे हो इसलिए मेरा फर्ज है यार मैं यहाँ अगर बैठ के किसी को कुछ बता रहा हूँ तो मुझसे राई राई और पाई पाई का हिसाब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड चीज़ें नहीं बतानी वो चीज़ें भी बतानी है जो आपकी इसलाह के लिए हो तो ठीक है जो पॉलिटिक्स में है उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है लेकिन आपको यूज किया जा सकता है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा जो भी बात है क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए और इसमें भी दुश्मनी आपको मोल नहीं रहनी आपको तोज़ुन बरकरार रखना है आपकी सलाहियतें अल्लाह ताला बढ़ा रहा है रोमांटिक मोड पे रहोगे इस हफ़्ते में काफ़ी सारे दिन आपको ऐसा लगेगा कि मोहब्बत मोहब्बत हर तरफ यही चलनी चाहिए मुकदमात में परेशानियाँ हैं तो ख़त्म हो जाएंगी विनिंग पोजिशन पर दिखाई दे रहे हो लिब्रा वालो मुझे तो अच्छा लगा कि ये पूरा वीक आपकी ज़िंदगी को बहुत चेंज करके रख देगा इसीलिए लव परसेंटेज सबसे ज़्यादा है सिक्सटी आप लोगों के लिए

गुड है ठीक है हाँ हाँ और स्टडी एंड एजुकेशन जो है वो सिक्सटी सेवन परसेंट तक जाने वाले यू आपकी किस्मत का सितारा इक्यावन फिफ्टी वन परसेंट पे आकर रुकेगा सो लिब्रा वालों तस्बीहात हैं या शकुर हो या कबीर हो ये दोनों तस्वीर आप पढ़ सकते हो हंड्रेड दानों वाली तस्वीर पे एक एक ये इसमें मुबारक पढ़ सकते हो सदके में दान कर सकते हो जो दाल माश किसी भी कलर की ब्लैक वाइट आप पाँच मौसमी फल दान कर सकते हो सदका दे सकते हो राइस कुक्ड या अनकुक्ड हालत में और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है डार्क ग्रे ऑरेंज एंड ब्लैक बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ आपके लिए आसानियाँ पैदा करें ना टाइम फॉर द स्कॉर्पियो सरथान तुम्हारे प्यार का मैं इंतसाब हो जाऊं फिर इसके बाद मुकम्मल किताब हो जाऊं किताबे जीस्त में तुझको मिलूं गजल की तरह सुखन शनास तेरा इंतखाब हो जाऊं हवा के दोष पे चलकर वो सुरखरू न हुए मैं आंधियों से लडूं कामयाब हो जाऊं बन के ना दीवार पे रहे तन्हा, मैं किचियों में बटूं बेहिसाब हो जाऊं हजार पर्दों में रखूं छुपा के दर्दो वलम, निगाह उससे मिले बेनिकाह हो जाऊं मैं गुमशुदा ही रहूं तेरे दिल के सहरा में कभी ना तुझको मिलूं एक शराब हो जाऊं तमंदरों की तरह वो मौज मौज चलूं वो आसमां तुम्हें मिसले सहाब हो जाऊं वो आसमां तुम्हें मिसले सहाब हो जाऊं आपके लिए खास नियमतें परवर दिगार ने इकट्ठी की और ये पूरा हफ्ता अगर आपको लग रहा है कि के कह दो बंदिश वाली सिचुएशन है तो आप गलती पे हो क्योंकि वो जो पिछली पास्ट की जो सिचुएशन है या कुछ दिनों से जो टेंशन चल रही है उसको अगर आप देख रहे हो तो ये टेंशन ख़त्म होने वाली है बस इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के प्लान करना होगा इस हफ्ते को ये एक ऐसा मौका है जो इस महीने का समझ लो वैसे तो लास्ट वीक नहीं लेकिन आपके लिए लास्ट वीक है कि कोई भी अगर आपने गलती की फाइनेंस या रिलेशन के हवाले से तो ये आपको पे करना पड़ सकता है इसलिए स्कॉपियो इस वालों हर चीज़ का प्लान करना है आप लोगों के लिए सफ़र मुबारक रहने वाला है आप लोगों के लिए आमद जो रुपये पैसे की है वो बहुत अच्छी होने वाली है मौसमी असर आपको डैमेज कर सकते हैं इसलिए गर्मी सर्दी जो भी सिचुएशन है इस वक्त तो सर्दी की लहर पूरी दुनिया में धुएं में नहीं बाकी हर जगह तो आप लोगों को थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा रिलेशनशिप में बहस मुबाइस आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है देखो समाजी हैसियत भी ख़राब होगी आपके फाइनेंस भी बहुत टूटेंगे होता है ना रिलेशनशिप में हो शादी शुदा हो बहस मुबासा हुआ तलाक हो गई पैसा भी गया ये भी गया तो आपको उन चीज़ों से ज़्यादा आपकी वो जो समाजी हैसियत है वो टूट सकती है स्कॉर्पियो आप लोगों की अदालती कार्रवाइयाँ आपके हक में फैसला कर देंगे आपको फ़ायदा रहेगा बे लोग जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं औलाद नरीना आ, की पेशनगोई हो रही है कि आप कंसीव कर सकोगे कुछ सितारे ऐसे हैं जिससे आपको अच्छी खबरें मिलेंगी फ्यूचर में कनेक्ट करने वाले लोग जो कि आगे किसी अच्छी जगह पर रहना सेटल होना बिजनेस करना किसी के साथ मिलकर ये सोलो ये आपके लिए इस हफ्ते में बहुत हाईलाइट हो रही खास तौर तो पे मीडिया सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स या वो नाम और दाम वाले जो लोग हैं कि हम दूसरों से कैसे बर्तरी ले लें तो आप की दस्तरस में होंगी बहुत सारी चीज़ें कि आपको कितना तूल देना है और आप कामयाब नज़र आ रहे हो शहरतों में भी और नए कॉन्ट्रैक्ट में भी अल्लाह ताला कुछ ख़ास मज़हबी रसूमात के लिए कुछ लोगों को चुनता है तो आपके लिए वो चीज़ें हैं जारी सारी हैं अगर आप चाहो तो बहुत आसानी से पा सकते हो मन की दुआएँ पाने के लिए ये जो पूरा वीक है कि आपने कुछ दुआ की और ऐसी जगह पर मजहबी रसूमात हैं आप उम्र पे हो ज़्यादा रात पे हो कहीं भी हो या एक वजद की कैफियत है उस वक्त आपने कुछ मांगा तो परवरदिगार ने वो दे दिया शदीद किस्म की रिएक्शन गुफ्तगु से आने वाला है अगर आपने पॉलिटिक्स सियासत या रुपये पैसे की लेन देन पर किसी के साथ लाउडली गुफ्तु की इसलिए स्कॉर्पियो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा वैसे तो आपकी भूल चाल आपकी पर्सनैलिटी में इतना फ़र्क दिखाई दे रहा है मुझे मतलब हैरत अंगेज़ तौर पर आपकी पर्सनैलिटी पिछले अगर हम सेवन ईयर्स की बात करें तो ये पहली दफा है इस हफ्ते से चेंज होगा आगे दूर तक रहेगा कि चेंज होती हुई नजर आ रही है अब, अब अब चेंज हो ही गई है तो گفتگو का ढंग पहनावा पूरा गेटअप ये सब कुछ आपका आप चेंज हो जाएगा लेकिन बहुत सॉफ्ट हो जाओगे आपके चाहने वाले ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे और इल्जाम भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगे अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं क्योंकि जब पहाड़ की चोटी पे होते हो तो हवा के थपेड़े आपको ज़्यादा हिला रहे होते हैं बहुत केयरफुल होकर के चलना पड़ता है आपकी एनर्जी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है आमदनी को उड़ाना नहीं है अगर सेविंग है तो उसके ज़रिए आप लैंड एंड प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हो मकान की तब्दीली आपके लिए बड़ी खुशहान रहेगी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो सेटल हैं जिनकी शादियाँ होनी हैं जिनके एजुकेशन के हवाले से होने हैं कुछ लोग आपको मैजिक के ज़रिए तोड़ने की कोशिश भी करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे है जिस पे आपको बहुत एहतियात करनी किसी के हाथ से ज़बरदस्ती कोई मीठी या चीज़ लेकर ये जी मैं न्याज़ दे रहा हूँ ये जी आपके लिए फा फलां जगह से लाए हैं उस ज़बरदस्ती कुछ ऐसी अकीदत वाली चीज़ें होती हैं जिस पर आप ना नहीं कर सकते आपको ना करना होगा आपको डायरेक्टली वो इस्तेमाल नहीं करनी किसी और को दे देना क्योंकि हम नहीं चाहते कुछ पोशीदा लोगों के दिमाग में जो खराफात पल रहे हैं वो आप लोगों की फ्यूचर को बहुत बुरी तरह से तोड़ दें मौके बहुत कामयाबी के मिल रहे हैं वो लोग जिनके वीज़ाज नहीं लग रहे दूसरे मुल्कों में जाने का या ख्वाहिश है उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत आसान है और आप दूसरों की नस्बत यहां पर रक्स करते हुए दिखाई दोगे फूड प्रोसेस जो है ओवर ईटिंग आपको बहुत महंगी पड़ सकती है कुछ ऐसी मुरगन चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगी बैंक से लोन लेना आपके लिए मुबारक रहेगा गोल्ड एंड क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट फोर्टी वन परसेंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी कोई खामी गिनवा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की पोजीशन पे आ जाए जो आपको नागंवर गुजरे और हम नहीं चाहते कि ये वाली पोजीशन आपकी इस हफ्ते में आप देखो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत अच्छे पैमाने पर पे नजर आ रहा है जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं वो दूसरे मुल्कों में कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेते हुए नजर आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला सो स्कॉर्पियो लव फिफ्टी है इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त रहने वाला है एंगर थर्टी नाइन है आप समझ रहे हो कि ये कितना ऊपर है चालीस को टच कर रहा है रिलेशनशिप एटी सिक्स परसेंट है थोड़ा डेंजर जोन में है लेकिन फिर भी एहतियात करना मनी फिफ्टी थ्री परसेंट है आप लोगों के लिए हेल्थ एटी नाइन है गुड है पर सेंसिटिव मोड ऑन ना हो जाए रूहानियत उन्नीस परसेंट आपकी रहने वाली है अच्छी है और स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी टू परसेंट पर जाने वाली है आप लोगों के लिए लक जो है वो फोर्टी एट परसेंट काम करेगी किस्मत कि देवी जो मेहरबान रहती है वो इतनी रहती है और आप लोगों को स्कॉपियो वाले या मुकी तो या जलील ये दोनों तस्वीर आपको पढ़नी है सूजी सूजी का हलवा दान कर सकते हो सद दे सकते हो पुराने कपड़े यूज क्लॉथ जो हैं वो दे सकते हो बारह रोटियां कम से कम किसी गरीब को दे सकते हो या कैश भी दे सकते हो वाइट डार्क ग्रीन एंड स्काई ब्लू ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी धुआँ स्कॉर्पियो के साथ एंड नाउ टाइम फॉर सेजिटेरियस यानी कि कासे कजा के रंग वाले जरा जरा सी बात पर वो मुझसे बदगुमा रहे जो रात दिन थे मेहरबा वो अब न मेहरबा रहे जो की लज्जतों की वुस्सतें नहीं रही वो खुश ख्याल हो वसल बन के मेरे दरमिया रहे पहेलियां बुझाओ मत बहाने अब बनाओ मत यही कहीं नहीं थे तुम बताओ फिर कहा रहे वो मेरे साथ कब न थे गिला करूं जो मैं भला जरा जरा सी बात का फजूल क्यों बया रहे न झील कोई शहर में तलिया ताल भी नहीं ये लश्कर परिंदा फिर बताए कहां रहे मोहब्बतें मुर्वतें लिहाज या खुलूस हो सभी हैं दर बदर के अब ना इनके कदर रहे मुसर्रतों की धूप हमारे इर्द गिर्द रहती है कभी कभी अधूरापन हमारे वजूद को खा लेता है और हम समझते नहीं लेकिन सर ये वालों आपको अब समझने की ज़रूरत नहीं है आप अब परवरदिगार आपके लिए कुछ ऐसे वसाइल पैदा करेगा कि आपके जो मुखालिफ हवाएं चल रही हैं ये जो दुश्मन हैं जो लोग भी हैं वो अब उस जगह पे आ जाएंगे कि वो सिर्फ तांतो तले उंगलियां दबा के देखेंगे कि जिटेरियस यानी कॉल्स वाले ये कौन से मिट्टी से बने हैं कि हम तो इनको डैमेज कर रहे हैं चाहे वो जादू टोने की वजह से आपकी टांगे वैसे ही काट रहे हैं चाहे आपके हरीफ हैं जॉब वाली ऑपरचुनिटी में बिजनेस वाली में या इर्द गिर्द फैमिली कोई भी रकाबत चल रही है तो आपको आफाका ही रहता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आप प्लानट आपका हिसार करना शुरू कर देंगे इस हफ्ते दो बार हैं मतलब ट्यूजडे एंड फ्राइडे ये दो दिन ऐसे हैं कि जिसमें मैजिक वैजिक का सिलसिला दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अटैक जो है वो ट्वेंटी फोर आवर में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा कुछ प्लेनेट होते हैं अफियाम नाम के जो आते हैं लेकिन अगर उस वक्त वो मौजूद है और किसी ने जादू या टोना कर दिया या सिर्फ इल कर दिया तो अटैक उस पर होता है वो 24 घंटे आपकी तबीयत ख़राब है या नींद आई है भूख बहुत लग रही है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है चौबीस घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है जबकि वो फाइव ईयर सेवन ईयर नाइन ईयर्स के लिए किया जाता है तो ये खुशकस्मती होती है सो डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है वो अल्लाह की तरफ से हो जाएगा बेहतर आप ये तस्बीहात जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर के साथ जुड़ी हैं यानी आपका पासपोर्ट आईडी बैंक के मामला वीजा इमिग्रेशन इसमें आपको बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप ये काम करना चाह रहे हो जो रुके हुए हैं टैक्स के मामलात हैं बाहर कहीं जाना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं तो नई हमत अमली इख्तियार करनी होगी कुछ लोगों का संग लेना होगा और यह आपका काम हो सकता है किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की इजाजत बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको अधूरे मशवरे देने के बाद आपका ट्रैव बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट क्रिस्टल क्लियर आपके सामने है सो बस जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा चाहे वो ज़मीन जायदाद बेचना है या ख़रीदना है उन चीज़ों से आपको बहुत एहतियात करनी होगी आपके लिए कुछ चीज़ें नई हैं यहाँ पे, नई चीज़ों से मुराद जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है जैसे कि औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका अच्छा एडमिशन हो सकता है या आप इम्तहान में पास हो सकते हो अगर आप पॉलिटिशन हो तो आपके लिए अच्छे टिकट और अच्छी सोसाइटी और अच्छी पार्टी में एक अच्छी जगह दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ आपके इख्तियार में होगा जो पॉलिटिशियंस हैं जितने भी मीडिया सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी मसरूफ़ीत दिखाई दे रही है इस हफ्ते से एक्टिव होगा और आगे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगी आराम का टाइम बहुत कम मिलेगा सैर तफरी का प्लान अगर इस हफ़्ते आप बनाना चाहो तो बहुत फ़ायदा होगा और कोई एक बुरी खबर यानी आपसे रिलेटेड कि आप तो ऐसे हैं यानी इल्ज़ाम वाला जो होता है उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना है लेकिन आपको उसके लिए सामने उतर के बयान जरूर देना होगा खामोश नहीं रहना बहुत ज्यादा गोश्त वाली चीजों का इस्तेमाल इस हफ्ते नहीं करना है आपके लिए एक चीज़ तो इस हफ़्ते क्लियर अल्लाह ताला ने कर दी कि जो बड़े बड़े डेंजर जोन में रहे खतरात मोल हुए वो अब आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे यानी वो नेगेटिविटी अब आपका ताकबुब नहीं करेगी अब एक नई ज़िंदगी से रोशनास कराएगी आपको और आप अपनी ज़िंदगी में अब आसानियाँ महसूस करना शुरू कर दोगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैसले करना अगर मुश्किल है तो स्क्रीन पर अरे स्क्रीन पर तो है ही नहीं किधर गया स्क्रीन स्क्रीन तो दे दी दरवाजा एद्रीन पर भाग गया खुद ही वो याद ही नहीं ना मुझे तो आप ये भी काम कर सकते हो कि आप एडवाइस ले सकते हो रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ा सा जीटेलिस आप लोगों को बताएं देखो बार बार वो गन्ने की मशीन में आपको डाल के दूसरी साइड से जूस निकाला जा रहा है और भूसा रह जाता है और आप उससे भी स्पेक्ट कर रहे हो कि ये रिलेशन आपको पे कर जाए वहाँ दूसरों से स्पेक्ट कर रहे हो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा सजीटेरियस उन सितारों में ऐसे हैं जो फाइव डेंजर जोन में होते हैं उन सितारों में ऐसे हैं जिनको कभी रिटर्न नहीं मिलता यानी वफा के बदले क्यों वफा के बदले वही गाना था ना वफा नहीं मिलती तो वफा के बदले वफ़ा नहीं मिलती तो अब आपको दूसरों से स्पेक्ट करने के बजाय आपको अच्छा दोस्त बनना है अच्छा साथी बनना है रिलेशनशिप में एक मोड़ है यहाँ पे थर्सडे वो डेंजर जोन में है वो वो इसलिए होता है कि अगर आप शादीशुदा हो या निकाह हुआ है या किसी के साथ आपकी बातचीत होती है बी एफ जी एफ टाइप तो इसमें ये रिलेशन ख़त्म हो जाए किसी बड़े संगीन गुफ्तगु के बाद और हो सकता है उनका चेहरा या आपका चेहरा एक दूसरे के सामने आ जाए और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है आपको बिल्कुल ढकी छुपी गुफ्तु नहीं करनी यही आपके लिए बड़ा ख़तरनाक अमल होगा एक बात याद रखना सजिटेरियस मुल्क से बाहर जाना ही जाना है आपके पास ये ऑपरचुनिटी है कंफर्मेशन नहीं है अपॉर्चुनिटी है कि ऑप्शन है जाओगे कि नहीं नहीं जाना कोई बात नहीं आपकी डायरेक्शन परवरिगार अपने हिसाब से चेंज कर देगा लेकिन मेरी मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है फाइनेंस के हवाले से और शादी के हवाले से ये दो दो ऑप्शन है एजुकेशन वाला तो हो गई होगा ना तो इसमें आपको यस का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपके बहुत सारे ख्वाब जो अधूरे हैं उनको ताबीर मिलना शुरू हो जाएगी सर्जिटेरियस वालों के लिए इस वक्त हेल्थ इंप्रूवमेंट वाले चांसेस ज़्यादा हैं यानी अगर आप कोई ऑपरेशन सर्जरी बूटोक्स कोई भी फेस के ऊपर आपने आ, काम करवाना है हेयर ट्रांसप्लांट कराना कुछ भी करवाना है आप लोगों के लिए बड़ा मुबारक रहने वाला है बैकबोन का ख्याल रखना है भारी चीज़ें नहीं उठानी झटके से नहीं उठना क्योंकि जो कमर के मोहरे हैं उनका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है किसी पर मुकदमा नहीं कर सकोगे अगर करने की कोशिश करोगे तो वो तूल पकड़ जाएगा इसलिए कॉस वालों सर्जिटेरियस थोड़ी सी एहतियात के साथ आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सजिटेस वालों के लिए इस हफ्ते लव रहने वाला फिफ्टी नाइन परसेंट एंगर रहने वाला है थर्टी टू रिलेशनशिप एटी वन मनी फोर्टी सेवन हेल्थ आपकी 86 परसेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है ट्वेंटी परसेंट आप लोगों के लिए स्टडी एंड एजुकेशन है सिक्सटी फोर परसेंट और आप लोगों की लक्स साथ दे रही है फिफ्टी टू परसेंट ये बहुत ज्यादा बेहतर होता है या रकीब हो या हक को ये दोनों तस्वीर आपको पढ़नी है सबके में बेसन बर्ड फूड दूध खुला या पैकेट वाला एंड कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है पर्पल -पर, बेबी पिंक एंड ब्लैक बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं यस और अब हमारे साथ तो नहीं है लेकिन कोई और है हेलो हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अगेन अस्सलाम अगेन तबीयत नहीं खराब ऊपर से दवाइयाँ खा सर घूमा हुआ आप भी मुझे नजर नहीं आ रहा मैं अपना नाम दवाई रखना चाहता हूँ क्योंकि आपका सर कोई तो घुमाता हूँ <laughs> तो, <laughs> को, को, तो भाई अब क्या करें चले कोई बात नहीं अच्छा मैं कहती है अभी आप सजिटेरियंस को बता रहे थे तो देखियेरियस वालों बड़े दिनों से ना आप लोग जो है बड़ा बोर बोर चल रहे हैं यानी अपनी जो

जो नए प्लान बड़े दिन से बना रहे हो तो अब उस पर कुछ काम करना शुरू कर दो ठीक हो गया तो मैंने कहा को जाके थोड़ा सा ही मशुरा बहुत अच्छा क्योंकि इनके लिए नए ओपन तो हो रही है मगर ये खुद सुस्त बैठे हुए प्लान बना रहे हैं मगर कुछ कर नहीं रहे तो प्लीज कर लो और बाकी एरीज एरीज और अभी एक दो को मैं अभी बता के चली जाऊंगी क्योंकि इसके बाद मैं वापस नहीं आने वाली ठीक है ठीक है क्योंकि मेरे नी मेरे घुटने में बहुत ये बता दें शो में

मैं डॉक्टर के गई थी और मैं गाड़ी में बैठी थी और कुरत हमें कुरत मिल नाश्ते में कैसेट फॉरवर्ड करके खाती है <laughs> मुझे लगता है क्योंकि वो इतना तेज से देखा और ना वो हम हमने हम कुछ वहां से देख ले, ले वगैरह दो ले बार, बार मुलाकात बड़ी कम होती कम होती है और इनसे पहले भी हमारी रमजान में हो चुकी है दूर से आ गई सी इतने अच्छे हस्बैंड मिले कैसी आप मैंने कहा सॉरी मैं गाड़ी से नहीं तो तुलै, 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 में इतनी आप प्यारी तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और बाकी भी जो वहां पर लोग थे जो हमें खाना जिन्होंने सर्व किया दिया वो भी इतना इज्जत प्यार मोहब्बत से मिल रहे होते हैं या उसके अलावा भी जो लोग आम जिंदगी में हमें फैंस मिलते हैं आ, अच्छा ज्यादातर लोग जो है ड्रामा के हवाले से बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं इंडियंस बहुत मिलते हैं तो इंडियंस के जितने भी इंडिया के लोग हैं आप सबकी मोहब्बत का भी दिल से बहुत सारा शुक्रिया और आप सबकी मोहब्बत हैं जो हम जिस पे चल रहे हैं वरना कोई <laughs> जो है चलने वाला काम हो तो रहा नहीं है व्यूज के हवाले से या कमेंट्स के हवाले से या बाकी अगर चीजें देखे और हैदर जो अभी आप कह रहे थे ना कि लाला इतम और वो उसका कोई डी एंड नहीं है और वो कहाँ जाके रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर रुकेगा बिल्कुल रुके रुकेगा और तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है जरूर जमीन जब उसकी दलदल में गिर जाता है इंसान तो फिर निकल नहीं पाता और आजकल जो आप बहुत कचरा क्रैप और ये सब कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे नहीं। नहीं। वो यही अंधा धुंध जो है ना वो तो है। पैसा 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 और उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए बल्कि बहुत जगहों पर आप देखेंगे कपड़े उतारना नंगा होना और बकवास करना गालियां देना अपने रिश्तों को गालियां देना बहन भाइयों उनके बच्चों के लिए गलाजत बकना या कुछ भी कर जाना आम मतलब मैं पहले एक थोड़ा सा सॉरी अब जिसका भी स्टार आ रहा है मैं खुद भी कैपरिक

खात है, ना है ना, जो घरेलू तो खात है।, है वो नाटर तो तो वो ऐसा ना करें फिर घर के दरवाजे भी आप हटा दें के आए सब हमारे घर में लेकिन कुंडी ना खिड़का वही वाला मामला है सीटा अंदर ही तो आ रहे हैं आपके अपने में आपको इस दिखाओ जो दिखाना है वो दिखाओ कुछ कुकिंग कर रहे हो अभी कुकिंग की बात हो रही है बाकी तो आप कुकिंग भी दिखाई दो बेडरूम में कुकिंग होती है <laughs> तो ये नहीं था सॉरी माइंड ना किया करें बट नहीं नहीं किया तो करें किया करें प्लीज अच्छा तो मैं समझ फिर भी अभी, रोस्टिंग का क्योंकि रोस्टिंग हमने स्टार्ट की थी और अभी <laughs> कुछ चैनल शुरू हो गए लेकिन अब बायदा करूंगी खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूर करूंगी जो खास तौर पर छोटे यूट्यूबर्स को नए आने वाले लोगों को बिल्कुल हकीर कीड़ा मकोड़ा और पता नहीं क्या समझते हैं और कहते हैं आप हमारी हमारी रोटी खा रहे हैं हमारी तरफ से खा रहे हैं हमारे हमें बेच के खा रहे हैं तो भाई आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया आपने कोई कुछ ईजाद किया है आपने कोई पाकिस्तान बनाया है आप क्या क्या नया पाकिस्तान बनाने जा रही हैं हैं आप क्या है? आप भी उनकी तरह घरेलू खातन है अगर चार सब्सक्राइबर उनसे ज्यादा आपके आ गए चार व्यूज आपके उनसे ज्यादा आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनको भी अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है जितना उनके हिस्से में रोजी रोटी लिखी है वो चाहे आपका नाम ले ना ले उनको उतनी रोजी रोटी मिलेगी और आपको भी उतनी ही मिलेगी जो आपके नसीब में लिखी है आप भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं तो इसलिए ये वाली चीजें नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कुछ लोग जो है ना बिल्कुल ब्लो द बेल्ट जाके वो दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में गलत बातें करते हैं तो प्लीज संदीप इंडिया से वो कह रहे हैं लियो के बारे में कुछ बोले बोले लियो के बारे में बता गई हूँ पहले बता के तो गई हूँ पीछे पीछे करके सुनो अच्छा एरीज को दो लाइने बस मैं एरीज के लिए कहना चाहूंगी ये जो खास तौर पर ये जो एक दो वीक जा रहे हैं ना अभी अभी आप में से बहुत सारे अच्छा लिखना जो भी एरीज़ है वो आके लिखना मेरी बात को यस किया करें कि आपका इस वक्त ना मूड बहुत बहुत गुस्से वाले अच्छा गुस्से वाले तो आप हैं हमेशा से हैं नंबर वन पे आते हैं लेकिन इस वक्त आपका गुस्सा जो है ना वो सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है मायूस बहुत हैं दुखी बहुत हैं बोरियत वाला लव जो है ना उन जिससे पूछो क्या है जी मैं बोर हो रहा हूँ वो वाला मामला आपके साथ चल रहा है दूसरा दूसरा आपके साथ जो है ना इस वक्त आपकी एजुकेशन पे नजरें बद बहुत ज्यादा है आप अगर कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं नए एडमिशन के लिए जा रहे

पढ़ते हैं तो हम उतने नंबर नहीं लेते ये दो दिन पढ़ के कैसे ले लेती है या ले लेता है तो इसलिए आपकी एजुकेशन पे हमेशा नजरें बंद लगती है लोग जेलस होते हैं तो ठीक है तो ये वाला चीज रेमेडी कर लोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा दूसरा एक ये भी है कि क्योंकि आपको इस वक्त शदीद गुस्से वाली कैफियत में आप चल रहे हो तो अगर आप सोशल मीडिया पे आपके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं तो वहां पर अगर कोई बात कोई करता है तो बहस ना करो और गुस्सा ना दिखाओ कहीं बदनामी जो है वो आपका मुकदर बन सकती है ठीक है तो बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज मैं चलती हूँ और दुआ में याद रखें, है ठीक है कोशिश करूंगी कि लास्ट में फिर आ जाऊँ लेकिन अभी पता नहीं। अभी नहीं पता। टा, टा, टा। बाए बाए और बस ना अभी तो अल्लाह हाफिज कर रही हूँ लेकिन दवाइयों के बाद बहुत पसीना है हमारे सामने इस वक्त दिखाई दे रहे है और आप लोगों की जिंदगी कहाँ से कहा जाने वाली है ये हम आपको बता रहे हैं अपनों के दरमियान सलामत नहीं रहे दीवारों दर मकान सलामत नहीं रहे नफरत की गर्द जमहा निगाहों में रह गई उल्फत के कदर दान सलामत नहीं रहे रोशन है आरजू के बहुत जख्म आज भी जख्मों के कुछ निशान सलामत नहीं रहे ऐसा नहीं कि सिर्फ यकीन दर बदर हुआ दिल के कई गुमान सलामत नहीं रहे महफूज बामोदर हैं सदाकत के आज भी धोखे के पान सलामत नहीं रहे अपनों से अपने लहजे में बातों का है कमाल कुछ शख्स बदजुबान सलामत नहीं रहे शख्स बदसुबान सलामत नहीं रहे किसी की आंखों में बेहद हसीन मंजर था मेरा बदन था जजीरा वो एक समंदर था वो जलते पंख लिए बढ़ रहा था मेरी तरफ मेरी रगों में ठहरता हुआ दिसंबर था जो एक जुगनू सा बुझता रहा दमकता रहा वो अजनबी तो शनासों से बहुत ही बेहतर था बराए नाम तो पानी था उसके चारों तरफ मगर जो ठहरा तो सहरा में वो शनावर था अजीब बात बताई है जुगनुओं ने हमें वो बूढ़ा साधु नहीं खौफनाक खंजर था कभी कभी हम जिनको समझ रहे होते हैं अपने किसी और के चेहरे पे निकाब चढ़ाए हुए हमारे इर्द गिर्द आते हैं जद्दी वालों, कैप्रिकॉन वालों, ये हफ्ता बेनकाब चेहरों की हकीकत सामने लाने का हफ्ता है बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे इंटरनल जो गुफ्तगु का फन रखते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद आपको डाउन करने के लिए किसी भी हद पे जा सकते हैं उसमें जादू टोना बदनामी या कोई ऐसी कार्रवाई जो इंटरनल चल रही होती है वो उन लोगों को बेनकाब परवरदिगार खाप हकीकत या गुफ्तु के जरिए कर देगा अब आपको रिएक्शन क्या देना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हो कुछ ऐसे मसाइल जो खानदानी विरासत के हवाले से हैं वो पूरे हो जाएंगे यानी आपके हक में फैसला हो जाएगा आपकी जो रुकी हुई रकमें हैं उनका आ जाना ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है या कहीं से पैसे आ रहे हैं काम किया है और रकम रुक गई या बैंक से कोई लोन वोन लेने वाले जो मामलात हैं वो आ जाएंगे बस आप लोगों को किन लोगों से होशियार रहना है वो चालबाज लोग जो आप लोगों को अपने पंजों में दबोच सकते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ करनी होगी आपको देखो फैमिली आउट ऑफ फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज़ आपको ऑर्डर कर रही है तकलीफ दे रही है तो उसका बरमला इजहार करना बड़ा ज़रूरी है लेकिन हैंडल विथ केयर रिलेशनशिप फ्राइजल हैं अगर आपको लगता है कि इनके बिना ठीक है पहाड़ जाए जो भी है

बहुत-बहुत हैं देखो दुनिया में आ, एक आ, औरत जो है, वो अगर किसी से बातचीत करती है तो वो है ना जो फ्लोटेशनशिप पे भरोसा करते हैं कि चलो दोस्त हैं यार गपशप लगाओ टाइम पास करो खा पियो मजे करो वो मतलब अब बहुत हैं लेकिन कुछ ऐसी दुनिया में औरतें हैं जो चाहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप ही हो शादी ही हो हम किसी के ऊपर अपनी फीलिंग्स बार बार नहीं निचावर कर सकते और जब तलाक होती है फिर तो आप टूट ही जाते हो फिर आप दोबारा से डेवलप करते हो अपनी उस बिल्डिंग को फिर आप बार बार इस तरह करते हो मर्द के लिए शायद बहुत आसान होता है बड़े कम लोग हैं जो टूट जाते हैं एक के बाद वो सोचते हैं कि बस अब हमने जिंदा नहीं रहना मैं उन मर्दों को भी जानता हूँ लेकिन औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो कि आप शायद टिकटॉक टाइप जिंदगियाँ बर्बाद कर चुकी हैं और आप आपको सिर्फ पैसा चाहिए आपको सिर्फ़ नेम एंड फेम चाहिए बाहर में जाए सब कुछ अब क्या है कि यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको क्रिस्टल क्लियर रखना है आपने बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आते हैं आपको डैमेज करते हैं देखो एक रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे कि आपको किसी के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक होता है जिसके ना होने से फ़र्क पड़ता है लेकिन वो इतना नासूर बन चुका है कि उसका ऑपरेशन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को आपने अभी कल पे छोड़ना है कल से मुराद कि फ्यू डेज फ्यू मंथ उसके ऊपर छोड़ना है क्योंकि एक बड़ा दायरा लगा हुआ है कैप्रिकॉन के इर्द गिर्द जहां से रिलेशनशिप और फाइनेंस इन दोनों की खुशखबरियाँ मिलनी है। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करके खाना होगा इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं देना है थोड़ा वेट करना होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी 32 परसेंट से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट अभी आपने नहीं करनी लेकिन फ़ायदा होगा मकान की तब्दीली छोटा या बड़ा सफ़र आपके लिए अगर बहुत ज़रूरी हो तो करना होगा वरना आपकी हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ सकते हैं मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जद्दी वाले जितने भी हैं उनके लिए इर्द गिर्द बिजी शेड्यूल दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेस के लिए आपको खास तौर पे गर्म चीजों के इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में जितने भी सी फूड्स हैं यहाँ आप लोगों के लिए आपके प्लैनेट के हिसाब से एक्टिव हैं जो आपके ब्रेन कैपेसिटी को और बॉडी को बिल्कुल ठीक कर देंगे अच्छा एक चीज़ का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में हो या मीडिया सोशल मीडिया में हो तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट या चीज़ लिखत पड़त वाली है उसको पढ़ना ज़रूर होगा वरना किसी कानूनी उलझन में भी आ सकते हो और आपका मनपसंद वो सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता और आपको वो फिर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मजबूरी लेकिन जो मीडिया सोशल मीडिया के हैं उनकी शोहरत के दरवाजे खुल रहे हैं वो मज़ीद टू स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन बूस्ट कर जाएगा उन लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी जिनकी याददाश्त कमजोर है आपको हर चीज बला की तो होती है। लेकिन हर चीज़ पास्ट की भी याद आना शुरू हो जाएगी उस पे नहीं होना उससे काम लेना कि अच्छा हमारा दिमाग सही है तो कुछ चीजें याद करके आगे देंगे एजुकेशन हासिल करने वाले छोटे बड़े पैमाने पर पे अगर आप चाहते हो कि आपके तालुक स्ट्रॉग हो लोगों की निगाह में मोतबर हो तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो ऑनलाइन या ग्राउंड बेसिस पे क्योंकि तालीमी मैार के हिसाब से शिद्दत जो है वो एक्सट्रीम पे दिखाई दे रहा है यहां पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपडेट दिखाई दे रहा है स्टार और सितारों में एक चीज नए लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं जैसे रिश्ता किसी का आता है तो फौरन यस नहीं करना जब तक कि आप मैच नहीं करोगे बहुत सारी चीजें इंप्रेस कर रही हैं आपको लेकिन आपने हर चीज से इंप्रेस नहीं होना बहुत बड़े पैमाने पे जैसे गोल्ड एंड प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं और जिम्मेदारियां कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी लाइफ का ये जो पोर्शन है ये कुछ बेहतर हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में चल रहा है तो अब परेशानियाँ क्योंकि ख़त्म होने का वक्त है किसी एक जगह सेटल होना है वीज़ा वीज़ा इमिग्रेशन पेपर ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए आसान है घर के ऊपर अगर कुछ चीज़ें वीज़े लगानी हैं तो वो भी टेन से ऊपर फाइनेंस नहीं लगाना है तो धोखादेही का इम्कान है लेकिन वो उस सूरत में कि जब आपको बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी या गाड़ी या कोई चीज़ बेच सकते हो तो पेपर पर आप लोगों के लिए आ, मसले मसाइल हो सकते हैं तो आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन हम लोग बता रहे हैं ये जो परसेंटेज है लव की ये रहने वाली है सिक्सटी फाइव आप थोड़ा सा ये देखो मैं एक सेकेंड में आया ओके जी हाँ, मैं वापस आ गया और यहाँ सॉरी आप लोगों को जो चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉन वालों को ये रही आपकी तस्बीहात इसके माजूर चाहते हैं डिले होना और ये टेक्निकली लाइव शोज़ में ये प्रॉब्लम्स थोड़े से रहते हैं या मतिनों या समो ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है बर्ड की आज़ादी अगर परिंदों को आज़ाद करा सकते हो तो करा देना पाँच लोगों को खाना खिला दो दूध पिला सकते हो और कैश भी दे सकते हो रेड एक्वा ब्लू एंड येलो ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे हमारी बहुत सारी दुआएं कैप्रिकॉन के लिए और अब जाहिर है आप लोगों के बाद जिनकी बारी है सेकंड लास्ट स्टार है और वो है एक वेरियस आप लोगों के लिए क्या चीजें हैं वो बताते हैं है दुश्मनों से भी वाबस्ता जन मेरा यही कमाल है मुझ में यही है फन मेरा दुश्मनों से भी वाबस्ता जन मेरा यही कमाल है मुझमें यही है फन मेरा मैं मौसमों की तखय से कांप उठता हूं भरी बहार में उजड़ा था कल चमन मेरा मैं दश्त छोड़ के आया हूं एन नगर वालों के लगते लगते लगेगा यहां पे मन मेरा इतनी भूख मेरे वारिसों को विरसे की खरीद लाए मेरे जीते जी कफन मेरा उसी ने एक नया जख्म देके के छोड़ दिया कि दस्तयाब जिसे भी हुआ बदन मेरा अब आप लोगों के लिए टूटे हुए रिश्ते भी बुनियाद हो चुके हैं मेरी आप लोगों की जिंदगी में जख्मों की तादाद बढ़ती हुई बहुत बढ़ चुकी है लेकिन अब सहूलत यह है कि आप लोगों की जिंदगी में परवरदिगार के हुक्म से सिर्फ और सिर्फ फायदे होने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के रुके हुए काम इस हफ़्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं लकी लोगों में आपका शुमार हो रहा है वो लोग जिनको नींद नहीं आ रही बेखाबी का शिकार हैं खौफ रहता है कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर कुछ चीज़ें जाहिर हो रही हैं चाहे वो निशान की सूरत में है चाहे आपको दबोचने की सूरत में है वो इस हफ़्तेटली क्लीन हो जाएगा क्योंकि इस हफ़्ते किसी भी तरफ से आने वाला वार आप पे असर नहीं करेगा अगर आपको वीकनेस की वजह से या किसी हेल्थ के जो इशूज़ हैं सेहत की की वजह से वो है तो उसको आप किसी भी मैजिक वोडो के साथ अटैच नहीं कर सकते हो तो आपको उसका ख्याल रखना है स्ट्रेस हाई ज़्यादा था अब वो नीचे आ जाएगा ये एक बड़ी खुशखबरी है अगर आप एजुकेशन में हो स्टूडेंट हो तो आप लोगों की स्कॉलरशिप या अच्छे नंबरों में पास होने की खुशखबरी या कोई भी ऐसी खबर जो आपको बड़ा मुतमिन कर देगी वो इस हफ्ते आपको मिलने वाली है जल्दबाजी में धोखा दिखाई दे रहा खास तौर पे पेपर वर्क करते हुए कुछ लोग आपसे वाबस्तगी चाहेंगे अननोन और कुछ पुराने लोग जिनकी गुमशुदगी या देर से आपके साथ रबते होते हैं और आपको लगता है कि वहाँ टाइम फजूल है आ, इन्वेस्ट करना या अपनी फीलिंग्स को तो उन लोगों को हमेशा के लिए आप अपना जिंदगी से दूर कर सकते हो ब्लॉक कर सकते हो और बहुत सारी कीमती चीजें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज है तो उसका ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पर सेलफोन या आपके डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने के लिए तगो कर रहे हैं या ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों को थोड़े बोल्ड स्टेप लेने होंगे फैमिली बगावत इस टाइप की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल्ड स्टेप से मतलब कि जो भी आप जॉब कर रहे हो आपको लग रहा है कि काफ़ी है तो ठीक है लेकिन वो काफ़ी नहीं है यहां पर आपको उससे ज्यादा बेहतर परवर ने जो मामला हैं स्टार्स के वो रखें इसलिए आपको थोड़ा सा मौका अपने आप को भी देना पड़ेगा और बार बार एक ही चीज की जद या बार बार एक ही चीज या लूप में पड़े रहने से आपकी मसरूफियत आपके अंदर की सारी एनर्जी ज़ाया होते हुए हम देख रहे हैं इसलिए आपको कुछ नई शुरुआत करनी होगी वीज़ा इमिग्रेशन आसान है आप लोगों के बेबी प्रोड्यूस करना बहुत आसान है जैसे हमने कहा कि मैजिक का कोई ख़तरा नहीं है इसलिए लेकिन फिर भी एनिमीज जब सामने आएंगे तो आप लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी आप लोगों को कुछ नई एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिसमें नए लोग आएंगे लेकिन वो मुख्तसर टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आ, अपनी फीलिंग्स या कुछ भी करने के लिए आएंगे आप लोग अगर क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट या गोल्ड या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 18 परसेंट से ऊपर नहीं जाना ये आपकी सेविंग की बात करें कि 18 परसेंट ही होना चाहिए आप लोगों के इर्द गिर्द जो एनिमी दुश्मन हैं फैमिली फैमिली के बाहर जितने भी लोग हैं उन लोगों की गहरी नज़र है आपके फ्यूचर पर कि आप किसके साथ अटैच हो वो किसी भी महफिल में आना जाना जाहिर है होना है छोटा मोटा जो सफ़र है वो हो रहा है तो आपको ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो आपसे कुछ उगलवा न लें यानी आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो आप अपने दिल की हर बात कर देते हो लेकिन यहाँ पे जिसको आप बात बता रहे हो वो इसी तलाश में है कि किसी तरीके से आपका वीक पॉइंट हो और आपको बदनाम किया जाए इस वक्त हम ये चांस ले नहीं सकते ये पूरा वीक क्योंकि शहरतों का वीक है अच्छे अमाल का नतीजा उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया वीज़े के लिए भेजा हुआ पेपर और आपको एक खुशखबरी मिली है ये सब चीज़ों की खुशखबरी का दिन है रूहानियत पर बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी कैटेगरी होने वाली है तो इसलिए थोड़ा क्योंकि रोमांटिक मोड पे हो जश्न मनाने वाले मोड पे हो कि अचानक ही किसी से मुलाकात या किसी से रिश्ते का तय हो जाना कोई खुशखबरी या कोई इनामी स्कीम में हिस्सा लिया तो कोई लॉटरी का निकल आना तो ये सब चीज़ों में कोई ऐसी इमोशनली अटैचमेंट आपकी दिखाई दे रही है जिसमें खुशखबरी ही ठीक है और काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी फायदा देना शुरू कर देंगी आपको हमारा मशवरा यही है कि सीक्रेट मूव करोगे तो आपको फायदा होगा इक्वेरिस वालों तो आप लोगों के लिए आ, जो इस पूरे वीक में होने वाला है लव परसेंटेज वो है फोर्टी नाइन परसेंट एंगर थर्टी थ्री परसेंट रिलेशनशिप एटी फोर मनी फोर्टी एट Health 81%, Rohani advice percent, study and education 64%. और लक आपका साथ देगी 48 एट परसेंट ये बहुत ज़रूरी है और एकवेरिस वालों जो तस्बीं आपको पढ़नी है वो हैं या मुकदमों या अव्वल हो सदक़े में आप दाल चना को ठहालत में दे सकते हो मछलियों को जानवरों को पानी के जितने भी हैं फ़िश फूड वो दे सकते हो सूजी सूजी का हलवा सदक़े में दे सकते हो और कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ग्रीन ब्राउन एंड वाइट ये पहनोगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा बेस्ट ऑफ़ लक हमारी बहुत सारी दुआएँ एकवेरिस के लिए एंड लास्ट आ रहे हैं हमारे सामने पाइसिस पाइसिस वालों की ज़िंदगी क्या कहती है बताते हैं आपको मैं कैसे मान लूं कि इश्क बस एक बार होता है तुझे जितनी दफा देखूं मुझे हर बार होता है फकत कितनों को यूं भी कट रही है जिंदगी लेकिन वही है जिंदगी जिस पल तेरा दीदार होता है तुझे पाने की हसरत और डरना कामयाबी का इन्हीं दो तीन बातों से ये दिल दो चार होता है अगर है इश्क सच्चा तो निगाहों से बयाबा हो जबा से बोलना भी क्या कोई इजहार होता है किनारे बैठकर कि के कोई भी मंजिल नहीं पाता किनारे बैठकर के कोई भी मंजिल नहीं पाता जो टकराता है लहरों से वो दरिया पार होता है उसने बोला यार छुपा कर रखना तुम हम दोनों का प्यार छुपा कर रखना तुम जो मेरी सूरत से मिलते जुलते हो वो सारे अशआर छुपा कर रखना तुम सीधे हम मत करना मैं मर जाऊंगा सीधे हा मत करना मैं मर जाऊंगा थोड़ा ये इकरार छुपा कर रखना तुम मुश्किल से आता है और उड़ जाता है इस हफ्ते इतवार छुपा कर रखना तुम बच्चा है वो और बच्चे जिद करते हैं बच्चे से बाजार छुपा कर रखना तुम दो दिन को वो मिलने आया है तुमसे दो दिन ये आजार छुपा के रखना तुम दो दिन ये हजार रखना तो आपके लिए जिंदगी शायद इतनी मुश्किल नहीं है जितनी अब लफ्जों में बयान हो रही है वालों आप उस डगर पे आ चुके हो कि जहां अब सब चीजें फैसलों की सूरत में आपके सामने एक एक करके गिरा खुलती जाएगी ये फैसला आपके फ्यूचर से जुड़ा है आपके रिलेशनशिप से जुड़ा है आपके फाइनेंस एंड ट्रेवल से जुड़ा है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस खामोशी या डिप्रेशन की एक खुशबू आपके इर्द गिर्द आपको अपने हिसार में लिए हुए थी वो इस हफ्ते छटने वाली है कुछ चीज़ों के जवाब मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ आपके सामने होगी जब रूबरू होती हैं चीज़ें तो फिर आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं पुट करनी पड़ती है तो ये खुशखबरियों से भरा हुआ है इसमें हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी 13 परसेंट पे स्ट्रेस आ जाएगा तो ये आप लोगों को मजीद टेंशन नहीं होगी 38 पे होगा कुछ रिलेशन के हवाले से आपको दूरी या खुशखबरी या कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आपकी कामयाबी है जैसे तालीम के मैदान में कोई कोर्स करना चाहो कोई आ, कोई भी ऐसी तालीम अधूरी है या कोई शॉर्ट कोर्स ऑनलाइन या ग्राउंड बेसिस पे किसी जगह करना चाहो तो उसका वसीला बन जाएगा आप लोगों के फाइनेंस इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें आसानियाँ होंगी आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है और ये एनर्जी है रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप शादीशुदा हो तो आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है यानी वो बीच में जो एक कश्म कश्ती लड़ाई झगड़ा या एक फीलिंग्स नहीं चल रही थी उनके हवाले से अगर देखा जाए तो ये दूर हो जाएंगी इस हफ़्ते आपके ऊपर जादू टोने का अटैक जीरो परसेंट शून्य है लेकिन आपको बुरी नज़र लग सकती है ख्वाबों में उसका तरीका अल्लाह ताला आपको बता देगा कि कौन सा ख्वाब था और उसकी ताबीर क्या है समाजी तौर पर आपकी हैसियत बहुत बेहतर हो रही है यानी नाम और कारोबारी हैसियत से फाइनेंस भी फेम भी आपका दिखाई दे रहा है और अगर आप मीडिया सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए गेम ऑन होने वाली है कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट जबानी कलामी या ब्रेन में आपके डाल दिए जाएंगे कि पाइपलाइन में है आपको रेडी रहना है और उसके लिए आपको तगो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कुछ मुआफिक तारीखें हैं जो आपके इलाज माले और हेल्थ के ऊपर हावी हो रही हैं जो बहुत बेहतर कर देंगी आपकी हेल्थ को वो जो स्किन डिजीज़ या हेयर फॉल का जिन लोगों को मसला था उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती

की कुर्बत हो रही है वो लोग जो उमरा हज या ज्यारात पे जाना चाहें उन लोगों की प्लानिंग उनके बहुत सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देगी आप लोगों की लाइफ में एक बड़ी तब्दीली इस हफ्ते से जुड़ी है जो दो हजार चौबीस तक जाएगी क्योंकि दो हजार चौबीस के शुरू के तीन महीने आपकी पूरी जिंदगी पे हावी होंगे वह आपको खुशखबरियाँ ही खुशखबरियां देंगी इसलिए इस हफ्ते जो भी प्लान करोगे या आने वाले दिनों में आपको पे करेंगे कामयाबियां जहाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ मोहब्बत की एक नई तूफानी कैफियत आप आपके वजूद में आएगी जिससे आपका जो है सहेलियां दोस्तों वाली मोहब्बत वाला सिलसिला नहीं है और आप लोग अगर औलाद वाले हो जिनकी शादियां नहीं हो रही या जो पास नहीं हो रहे या कुछ खुशखबरी नहीं आ रही आप लोगों को यहाँ से भी खुशखबरी मिलने वाली है कुछ नए ताल्लुक बनेंगे आपको जो बसरतवरदिगार अता करने वाला है इससे आप बहुत कुछ देख सकोगे लेकिन एक चीज़ है इन सारी चीज़ों पर जो हावी है वो है आपका एंगर थोड़ा सा खामोश रहना है दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी है कि अगर आप किसी फैमिली में हो फैमिली में कोई आ के आपको बात करता है तो आपको थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है इस्माइल चेहरे पर रखनी है कड़वी बात भी है तो बहुत मीठे तरीके से करनी है ताकि सामने वाले को चुभे भी नहीं और आप हर दिल अजीज़ हो जाओ जबकि आपके लिए ये काम डिप्लोमेसी वाला बड़ा मुश्किल है लेकिन अब लाइफ में जगह बनाने के लिए फॉसिस आपको ये करना पड़ेगा मुकदमा में कामयाबी नहीं होगी वो डिले चली जाएगी यानी कि इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी दुश्मनियाँ जो है वो दोस्तों दोस्ती में बदलना शुरू हो जाएंगी फैमिली में भी अगर कोई रकावत चल रही है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इस हफ्ते मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहने वाला है फैमिली और फैमिली के लोगों से इसलिए अपनी सीक्रेट चीज़ों को अपने सीक्रेट तक ही रखना हर किसी पे आया मत करना पाइसिस वालों लव परसेंटेज सिक्सटी फोर परसेंट है आप लोगों का और एंगर है थर्टी एट ये थोड़ी ज्यादती है आप लोगों को आ, कंट्रोल करना है रिलेशनशिप एटी नाइन है माशा बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए आ, मनी जो है फिफ्टी सिक्स परसेंट तक चला जाएगी और सॉलिड है सेविंग भी करना उड़ाना मात हेल्थ एटी फाइव परसेंट है आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी ट्वेंटी थ्री परसेंट तक रहने वाली है और इस तरह आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन 68 को क्रॉस कर जाएगी किस्मत आपका साथ दे रही है फिफ्टी फाइव परसेंट ये बहुत बड़ा होता है और यूँ आप हंड्रेड परसेंट करना चाहते हैं तो या फ़ू या मालिकुल मुल्क ये हैं वो तस्वीरें जो आपने वीकली पढ़नी हैं सदके में खीर गोड हेड शुगर या कैश आप दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है वाइट रेड एंड ब्लैक ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं पैसेस आप लोगों के लिए और यूं ख़त्म हुआ ये पूरे का पूरा हफ्ता हमारा आप लोग सलामत रहो हमने कोशिश की कि जितना अच्छा निचोड़ है वो निकाल के आपके सामने रखें नेगेटिविटी खत्म हो जाए सलामत रहें मेरे लफ्ज़ों से अगर किसी के दिल पे ज़ख्म लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारा प्यार सांसूने की वफ़ा तो आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाज़िर हो जाएंगे तब तक के लिए पमान खुदा